हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, अपना ये जो सेशन है ज्योग्राफी से संबंधित PYQ प्लस MCQs का, इसमें आज अपन देखेंगे UGC नेट JRF का जो पेपर हुआ था 2020 दिसंबर में और 2021 जून का, एक साथ में जो मर्ज करके पेपर हुआ था उसको आज यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट पेपर रहेगा जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। ये जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसका देख रहे हैं। और आपके लिए एक और सूचना ये है कि जो ऐप है ऑनलाइन GSY दिवाकर सर, ये मिल जाएगा आप लोगों को कहाँ पे, ये वाला ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आप सभी कोर्सेज हैं, जिसमें आप TGT, PGT, LT ग्रेड एंड जो आपका नेट JRF है, यहाँ के सभी PYQ लेक्चर और साथ में PDF सभी मिल जाएंगे, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा चैनल आपका ये जानते ही है कि ऑनलाइन GSY दिवाकर है, यहाँ पे भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया का एक जगह है सिलिकॉन वैली, उसमें उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्थानीकरण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है कि क्यों वहां पे जो हाई टेक्नोलॉजी की प्रौद्योगिकी पाई जाती है, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी पाई जाती है, और यहाँ पे क्या कारण है उनका, कारक पूछे गए हैं। वहां पे सस्ता श्रम मिलता है या फिर उसमें बाजार तक पहुंच है, ये भी हो सकता है आंसर, लेकिन इसमें और भी सटीक आंसर इसमें समूहन अर्थव्यवस्था या फिर तेज गति वाला परिवहन, ये भी हो सकता है, लेकिन जो आपका समूहन अर्थव्यवस्था वाला हो जाएगा इसमें सब कुछ आ जाएगा, बाजार तक पहुंच भी आ जाएगी, तेज गति वाला परिवहन भी हो जाएगा, साथ में बैंकिंग सुविधाएं भी हैं, परिवहन सुविधाएं भी हैं, मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एग्लोमरेशन इकोनॉमी या फिर समूहन अर्थव्यवस्था, इसका सही से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कि जो सड़क की लंबाई 2017 के आधार पर भारतीय राज्यों का आरोही क्रम लगाना है, उनको व्यवस्थित करना है। तो चलिए सड़क की लंबाइयों के अनुसार उनको लगा लेते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं गुजरात दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी, सबसे ज्यादा लंबाई है किसकी, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बाद में जो आपका आ जाएगा कर्नाटका, कर्नाटक के बाद में आपका तमिलनाडु, और उसके बाद में आ जाएगा कौन सा, गुजरात। तो इसका आप लगा लीजिए CBAD, CBAD, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए लंबाई देख लीजिए, अगर आप याद रख सकें तो जो महाराष्ट्र है इसमें सड़कों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 17,930.6 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की 11,830.9 किलोमीटर, उसके बाद में आपका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान की 10,350.1 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश की हो जाएगी कौन सी, 8,940.5 किलोमीटर। ये आपको, आप इनका सीक्वेंस याद रखेंगे कब का है, ये 2020 से 21 का अभी नया डेटा है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। यार्डंग है, यार्डंग एक प्रकार का अपरदन बनाता है, मतलब अपरदन इस्तला करती है, ये किसके द्वारा बनती है, नदी के द्वारा, एओलियन के बाद जो आपकी वायु के द्वारा या फिर बातोड़ के द्वारा बनती है, काष्ठ के द्वारा या फिर जो हिमनदी है उसके द्वारा में ये इस्तलाकृति बनती है। तो ये जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यारडंग बनता है किसके कारण, एओलियन यानी कि बातोड़ या फिर वायु के द्वारा बनने वाली इस्तलाकृति हो जाएगी। यारडंग की जो रचना होती है ज्यूजेन होता है उसके विपरीत होती है। यारडंग का निर्माण होता है प्राय पवन की दिशा के समानांतर रूप में बनता है। इनकी ऊंचाई देखेंगे तो 20 फीट की होती है, चौड़ाई इनकी 30 से 120 फीट के बीच की होती है। यारडंग का जो निर्माण होता है निश्चित रूप से पवन के अपघर्षण के द्वारा होता है, किसके कारण, अपघर्षण यानी कि जो टकराना होता है उनका, उसके कारण होता है। कुछ अपरदनात्मक स्थलाकृति दी गई है, इनको देख लीजिए, नदी के द्वारा जो बनते हैं स्थल रूप, जैसे कि गार्ज बना, कैनियन बन गया, नदी विसर्ग बना, नदी वेदिकाएं बन गई, समप्राय मैदान बन गए, और जो आपका रचनात्मक सोपान होता है ये भी अपरदन के द्वारा ही बनता है। हिमनद अपरदन के द्वारा बने हुए जो स्थल रूप है उनको देख लीजिए,
यू आकार की घाटी बनेगी, लटकते हाथी, सर्प, अरेत, हॉर्न, ग्रीस रंग, ये सब किसके द्वारा बनते हैं? हिमनद के द्वारा, वो भी अपरदन के द्वारा। आगे बढ़िए, काष्ठ के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं उनको देख लीजिए। लैपिस बनता है काष्ठ, खिड़की बनती है, युवाला बनता है, पोल जो बनता है, दस्ती निवेश का बनती है, ये सब किसके द्वारा बनता है? काष्ठ के द्वारा। काष्ठ जो आपका भूमिगत जल होता है उसके द्वारा ये बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन उद्योग के आरंभ और विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य पूछा गया है? तो जो थॉमस कुक हैं उन्होंने 1841 में पहली पैकेज यात्राओं का प्रबंध किया, जिसमें कि यात्रियों को यूके में लीसेस्टर एवं लीस्टेस्टर से यहाँ से लफबरो तक ले जाया गया था। तो ये तो सही कह रहा है, यहाँ पे असत्य पूछा गया है तो इसको आप सही में मान करके इसको गलत कर लेंगे। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि जो पेरिस है, पेरिस और रोम और लंदन जैसे बड़े यूरोपीय नगरों में सांस्कृतिक प्रदर्शन की विविधता व पर्यटकों एवं अन्य नागरिकों की बढ़ती दिलचस्पी ने पर्यटन के प्रसार में भूमिका निभाई है। बिल्कुल, यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपको संस्कृति में अंतर जरूर देखने को मिलेगा, इसी के कारण क्या है वहां पे पर्यटन का आभाव हुआ है, इसलिए वहां पे वो जाते हैं। तो ये भी आपका सही है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें ये कह रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ने पर्यटनों में सर्वाधिक शक्ति प्रदान करी थी, ये भी ठीक है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो पर्यटन थे काफी शक्ति उनमें हुई थी, काफी ज्यादा पर्यटन देखा गया था, तो यहाँ पर सी भी ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में नया आयाम लाने में जेट विमान असमर्थ रहा है, बिल्कुल नहीं, जेट विमान कैसा रहा है? समर्थ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही मतलब आपका ये एक सही हो जाएगा। आगे कह रहा है तो 1970 में बोइंग 747 को अधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नहीं मिला था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। जो आपका डी एंड ई, ये दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे? गलत है, गलत ही सही, गलत ही पूछे गए हैं, वही अपना सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है ये। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन जो उद्योग है उसके आरंभ और विकास में 1970 में बोइंग 747 को अधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नहीं मिल सका, कारण तथा जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन है उसमें नया युग लाने में जेट विमान असमर्थ रहा था, जबकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति ने पर्यटन को सर्वाधिक शक्ति प्रदान करी थी। इसी प्रकार जो पेरिस है, रोम है, लंदन है, बड़े यूरोपीय नगर हैं, उनकी सांस्कृतिक प्रदर्शन की विविधता में पर्यटक व अन्य नागरिकों की जो बढ़ती दिलचस्पी रही थी, उन्होंने क्या किया था? पर्यटन में प्रसार प्रसार करने की भूमिका निभाई हुई थी। थॉमस कुक हैं, उन्होंने कहा था जो 1841 में पहली पैकेज यात्राओं का प्रबंध किया, जिनमें के यात्रियों को यूके में लस्टर से लोबारो तक ले जाया गया था। भारत जो भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना की गई थी 1966 में अक्टूबर में। भारत में पर्यटन के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 5 कौन कौन से हो जाएंगे? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एवं गुवाहाटी, ये 5 किसके हो जाएंगे? पर्यटन है, पर्यटन के कार्यालय हैं, इनको आप याद रखेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आपका पृथ्वी चक्रवाती मौसम है उसकी पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएं विश्व के किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? किससे रखती हैं? दक्षिण एशिया से, उत्तरी अमेरिका से, ब्रिटेन से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो जो आपके पृथ्वी चक्रवाती हैं उनके पुनरावृत्ति से संबंधित जो विलक्षणता है वो विश्व के ब्रिटेन क्षेत्र से संबंधित रखती है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए, जो पृथ्वी चक्रवाती मौसम है उसकी पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएं ब्रिटेन के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित रखती हैं। जो पृथ्वी चक्रवात है उनमें उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलती हैं कैसी? घड़ी की सुइयों के अनुकूल, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल चलती हैं। जो पृथ्वी चक्रवात है प्राय गोलाकार होते हैं,
परंतु कभी कभी बी आकार में भी देखने को मिल जाते हैं। केंद्र में इनका जो वायु दाब होता है अधिक होता है तथा परिधि की ओर में ये घटता चला जाता है, जिसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर में चलती हैं और जो केंद्र तथा परिधि के वायु दाब का अंतर जो मिलता है आप लोगों को 10 से 20 मिलीबार देखने को मिलता है, कभी कभी 35 मिलीबार भी पहुंच जाता है। ये कहाँ का है, केंद्र और परिधि का बता रहा है। प्रति चक्रवात शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था एफ गेफन के द्वारा 1861 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। ये बिटलसी के कृषि प्रदेश दिए गए हैं, उनके देश के नाम दिए गए हैं, तो चलिए इनको लगा लीजिए। दुग्ध उत्पादन कहाँ पर होता था, तो ये होता था आपका न्यूजीलैंड में। ठीक है, दूसरे में दिया गया कि जो वाणिज्यिक खाद्यान्न उत्पादन है ये होता था कहाँ पे, अर्जेंटीना में। और जो आपका यायावक पशुपालन है, पशुपालन होता था मंगोलिया में। और जो आपका वाणिज्यिक पौधारोपण है, पौधारोपण कहाँ पे किया जाता था, श्रीलंका में। तो ये आपका पहले का हो जाएगा क्या, तीसरा, चौथा, फिर उसके बाद में आपका पहला और उसके बाद में दूसरा। ठीक है, 3 4 1 2, ये कहाँ पे आपका सही से सुमेलित हो रहा है, सी ऑप्शन में आपका ये सही हो जाएगा। जो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन है वो किया जाता था कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता था अर्जेंटीना में। पशुपालन किया जाता था मंगोलिया में। और जो पौधारोपण है वो होता था कहाँ पे, श्रीलंका में। ठीक है, आगे पढ़िए। ये क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे जो आश्वासन एंड विजन का, आपका पेपर इसलिए लंबा लग रहा है क्योंकि इसमें दोनों लैंग्वेज को ऐड कर लिया गया है। इसलिए जो रियल एस्टेट है इसकी कीमतें और मांगे बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे सीबीडी की तरफ दूरी घटती जाती है। ठीक है, एक शहर का जो केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र यानी कि सीबीडी होता है, खुदरा भंडार, कार्यालय एवं सांस्कृतिक और मनोरंजन की गतिविधियों का उच्च संकेंद्रण होता है। तो जो आपका रियल एस्टेट है यानी कि जो सीबीडी क्षेत्र है उसमें महंगाई की बात कर रहा है ये, तो कैसे, जब उसके करीब में जाते हैं तो उसकी महंगाई क्या होती है, कीमतें होती है क्या, बढ़ती जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब जब किसी आप कोर एरिया में जाएंगे जहाँ पे क्या है, हब है किसी चीज का, तो जब उसके आप पास में जाते जाएंगे तो क्या होगा, उसमें जो चीजें हैं वो महंगी होती जाएंगी। तो ए और आर आपका दोनों सही हो जाएगा। जो कारण है ये भी यहाँ पे सही कह रहा है, कारण इसका बताया गया है कि जो एक शहर है, शहर का जो केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र होता है सीबीडी, उसका जो खुदरा भंडार है वहां पे क्या होते हैं, उनके सभी कार्यालय होते हैं, सांस्कृतिक और मनोरंजन की वहां पे क्या होती हैं, सभी सुविधाएं होती हैं। इसके कारण उनको क्या होती है, जब उनके पास में जाते हैं तो कीमत और मांग उनकी बढ़ती जाती है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, साथ में उनकी व्याख्या भी सही हो जाएगी। तो आप ए को टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। भूकंप है, भूकंप के बहुत से अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं, उनको आप लोगों को सीक्वेंस में नहीं, इसमें सीक्वेंस में लगाना है, इसमें बहुत जोखिम वाले क्षेत्र पूछे गए हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप देखा जाता है या फिर आता है। त्रिपुरा है, उत्तरी बिहार हो जाएगा, पूर्वी गुजरात है एवं हरियाणा है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा त्रिपुरा और उत्तरी बिहार, यहाँ पे क्या है भूकंप से अधिक जोखिम होता है, और साथ में आपका गुजरात में भी होता है लेकिन इनके बजाय थोड़ा कम होता है, और उसके बाद में आपका हरियाणा आता है। ठीक है, ए और बी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए इसका व्याख्या दी गई है, भूकंप के बहुत अधिक जोखिम वाले जो क्षेत्र हो जाएंगे त्रिपुरा है एवं उत्तरी बिहार हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता के आधार पर अगर इनको देखा जाए बेस्ट से, भारत को 3 भूकंपीय मेखलाओं में विभाजित किया गया है। देख लीजिए कौन कौन सी मेखलाएं हो जाएंगी इसमें, उच्च तीव्रता मेखला हो जाएगी, आपेक्षिक तीव्रता मेखला हो जाएगी, और तीसरी आपकी जो न्यूनतम तीव्रता मेखला है, इन 3 में इनको बांटा गया है। ठीक है, अब भारत के कुछ भूकंप से प्रभावित स्थल हैं, इनको भी देख लीजिए। कक्ष में 1819 में आया हुआ है भूकंप, कोयना जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है इसमें 1967 में आया हुआ है। ठीक है, और जो आपका उत्तरकाशी है इसमें 1991 में आया था। लातूर है, लातूर भी महाराष्ट्र में है, इसमें 1993 में भूकंप आया है। जो आपका भुज है गुजरात का, वहां पर 2001 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सूची एक को सूची दो के साथ में मिलान करना है, तो चलिए बैठ करके इनको भी मिलान कर लेते हैं। भू आकृतियां हैं एवं उनके तल संतुलन के कारण दिए गए हैं कि किसके कारण उनका संतुलन होता है। मोनाड नोक बनता है किसके कारण? मोनाड नोक जो बनता है आपका नदी के कारण में, ठीक है। अंधी घाटी बनती है जो आपकी भौम जल है यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, काष्ठ शिलाकृतियां होती हैं उनके कारण ये बनता है, तो ये आपका किसमें हो जाएगा? भौम जल हो जाएगा। ड्रमलिन बनता है हिमनद के द्वारा, और जो आपका ज्यूजेन है, ज्यूजेन बनेगा किसके द्वारा? पवन के द्वारा। ये सभी कैसी स्थलाकृतियां हो गई और इनके समतल होने के ये कारण हो गए कि किसके कारण ये समतल होते हैं। इनका ऑप्शन सही हो जाएगा, एक यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए इसका, डी ऑप्शन है 3 4 2 1, ठीक है। मोनाड नोक बनते हैं नदी के द्वारा, अंधी घाटी बनती है भौम जल के द्वारा, ड्रमलिन बनते हैं ज्यूजेन हिमनद के द्वारा, और जो ज्यूजेन बनता है वो पवन के द्वारा बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से किस पद्धति का अनेक संसूचकों को संयुक्त यानी कि कंपोजिट करते समय पक्षपात का पैमाना कम करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है? कहाँ पे कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो कौन सी पद्धति पूछी गई है उसका जो अनेक संसूचक होते हैं उनमें जो संयुक्त यानी कंपोजिट एक साथ में करते हुए जो पक्षपात है उसका पैमाना कम करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है? प्रतिसर पर कार्य करना और उन्हें एक साथ में जोड़ना, सभी संसूचकों की वास्तविक मूल्य को जोड़ना, सकारात्मक और नकारात्मक संसूचकों को अलग करना, या फिर संसूचकों के मूल्य में उनके माध्यम से भाग देना। तो यहाँ पर जो बिना पक्षपात का हो जाएगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा? डिवाइडिंग द वैल्यू इंडिकेटर विद देयर मीन वैल्यूज, ठीक है, ये आपका सबसे सटीक आंसर होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो फोटोग्राफ है मूलतः एनालॉग के रूप में तैयार होता है, ठीक है, ये सही कह रहा है। और उसके बाद में जो इमेज होता है, इमेज कैसे तैयार होता है? डिजिटल फॉर्म में तैयार होता है। तो ये दोनों आप अच्छे से याद रखेंगे, जो फोटोग्राफ होता है वो एनालॉग के रूप में और इमेज होती है वो डिजिटल के रूप में तैयार होती है। एक और तो दोनों ही सही हो जाएंगे, व्याख्या वगैरह का इसमें कोई भी झंझट नहीं है, दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित कथनों पर विचार करना है। चलिए देख लीजिए, जो हिंद महासागर की धाराएं हैं क्या हो जाएगा उनमें? विषुवत रेखा के उत्तर में समुद्री धाराओं के बनने पर मानसून पवन प्रणाली के बदलते स्वरूप का प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको आप पढ़ करके आगे बढ़िए। जो आपकी सोमाली करंट है, सोमाली धारा है, हिंद महासागर की उष्ण जल धारा बताई गई है, ठीक है, यानी कि गर्म जल धारा है इसमें बोला है सोमाली करंट को। दूसरा इसमें कह रहा है कि जो सोमाली धारा है हिंद महासागर की शीत जल धारा है, तो इनमें से कोई एक ही सही होगा। तो इसमें से आप जो गर्म जल धारा है ना, इसको आप क्या करेंगे? भगा देंगे इसको अपने यहाँ से, इसको काट देंगे। आगे यहाँ पे बोल रहा है कि जो पेरू है हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है, ये तो भैया कैसे भी सही नहीं होगी, ठीक है। हिंद महासागर किसमें ये बता रहा है, और इसमें आगे कह रहा है कि जो हिंद महासागर है उसकी उत्तर विषुवती धारा अगस्त और सितंबर के महीने में क्या हो जाती है? अदृश्य हो जाती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर सी एंड जो ई ऑप्शन है इसको सही लगा करके टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इससे पहले इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। जो हिंद महासागर है उसकी धाराओं पर स्थल मंडलीय मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है, और वो ऊपर कह रहा है कि इनका प्रभाव यहाँ पर नहीं मिलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मानसून पर इनका प्रभाव पड़ता है। हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया इससे घिरा होने के कारण धाराओं के स्थायी क्रम को जन्म नहीं दे पाता, यानी कि यहाँ पे क्या धारा स्थायी नहीं हो पाती है, कई इनसे उपमहाद्वीपों से जुड़ी हुई है। जो उत्तरी हिंद महासागर है उसमें उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण धाराओं की दिशाओं में साल में 2 बार परिवर्तन देखा जाता है,
ठीक है, जो सोमालिया की धारा है हिंद महासागर की शीत यानी कि ठंडी जल धारा है, और हिंद महासागर की जो उत्तर विषुवती धारा है अगस्त और सितंबर के महीने में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उसके सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली जो ठंडी धारा होती है पेरू की धारा या फिर हम्बोल्ट धारा कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे चलती है, जो दक्षिण अमेरिका है उसके पश्चिमी तट के सहारे चलती है, और जो साथ में जो विषुवत रेखा है उसके उत्तर में समुद्री धाराएं होती हैं, उनको बनने पर मानसून पवन प्रणाली के बदलते स्वरूप का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी और ई सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना हुई उसके आंकड़े आए, उसके अनुसार अपने लोगों को क्या करना है, साक्षरता के दर जो है उनको अवरोही क्रम में लगना है यानी कि सबसे ज्यादा से सबसे कम में चलना है। ठीक है, चलिए सबसे कम में चलेंगे इनका। पहले में केरल दिया गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा। आप लोगों के लिए जो अगर आप पूरी कंप्लीट जो सेंसस है करीब 1 घंटे की इसमें वीडियो है वो भी इसी चैनल पर हमने कल परसों भी अपलोड करी हुई है, जो आपका नवीनतम डेटा है उसको वहां पे हमने कराया हुआ है। 2011 की सभी जनगणना जो हुई थी उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। फिलहाल आप क्वेश्चन देख लीजिए कि जो आपका केरल है, केरल पहले नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे जो साक्षरता दर मिलती है कितनी है, 94% है। ठीक है, आगे इसमें हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की कितनी हो जाएगी, 82.2%। और उसके बाद में जो आपके सही हो जाएगी हरियाणा, हरियाणा के बाद में हो जाएगी कौन सी, उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही ही दिया गया है, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, इनकी जो आप देख सकेंगे नीचे साक्षरता दर दी गई है, केरल की हो जाएगी 94%, हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी 82%, इससे पहले बीच में गोवा को ऐड कर लीजिएगा, 88.7% है, मिजोरम की है 91.3%, और जो आपका त्रिपुरा है 87.2%। ये इसकी क्या हो जाएगी, उच्चतम, इनको हाईएस्ट आप याद रखेंगे साक्षरता दर वाले राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका सूचकांक दिया गया है इसको पढ़िए। ठीक है, जो परिवहन निरोग मापक होते हैं उनकी परिभाषा दी गई है। अभी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि टर्म्स दे दिए जाएंगे और उनकी छोटी छोटी जो लिंक्स हैं वो दे दी जाएंगी, तो देख लीजिए इनको। जो नेटवर्क घनत्व है, नेटवर्क घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या होता है, जो भी अपन घनत्व मापते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में मापते हैं। ठीक है, तो जो नेटवर्क घनत्व मापा जाएगा वो किस में मापा जाएगा, सतह के प्रति वर्ग किलोमीटर भुजाकार किलोमीटर के संबंध में परिवहन नेटवर्क। तो यहाँ पे जो आपका घनत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, पीआई सूचकांक में क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर मापा जाता है ग्राफ की कुल लंबाई मापी जाती है पीआई सूचकांक में, और इनके व्यास के साथ में दूरी के बीच में जो संबंध होता है इनका डी मापा जाता है, ये आपको सही हो जाएगा कौन सा, तीसरा। ठीक है, ईटा सूचकांक में क्या होता है, जो ईटा सूचकांक होती है उसमें उनकी जो भुजा होती है, लिंक्स होते हैं, उनकी एवरेज लंबाई यहाँ पे मापी जाती है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा। साथ में जो आपका थीटा सूचकांक है इसमें क्या होता है, जो प्रति प्रतिच्छेदित औसत है उनके यातायात की यहाँ पे मात्रा को मापन किया जाता है, तो ये भी आपका कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ए का यहाँ पे सेकेंड है, बी का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, सी का फर्स्ट है, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार और देख लीजिए, जो नेटवर्क घनत्व होता है सतह के प्रति वर्ग किलोमीटर भुजाकार किलोमीटर में संबंध में नेटवर्क यानी जो परिवहन नेटवर्क होता है इसमें किसको देखा जाता है, नेटवर्क घनत्व को देखा जाता है। पीआई सूचकांक में ग्राफ की टोटल लंबाई और उनके व्यास की दूरी के साथ में उनके बीच में संबंध को देखा जाता है। ईटा सूचकांक में जो प्रति भुजा होती है यानी कि जो भी उनकी लाइन होती है, लिंक होती है, उनकी औसत लंबाई देखी जाती है। और थीटा जो सूचकांक होता है उसमें जो प्रतिच्छेदित यानी कि जो काटने वाली जो लाइन होती है उनके यातायात की मात्रा देखते हैं वो किसमें, थीटा सूचकांक में। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने
पेरोक्स द्वारा पूरब में प्रतिपादित विकास ध्रुव सिद्धांत के प्रादेशिक और भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन किया हुआ है। किसने किया? ये गुन्नार मेडल ने, जॉन फ्रीडमैन ने, एओ हर्समैन ने या फिर बोडुबले ने? ये किसने किया हुआ है? पेरोक्स के द्वारा जो प्रतिपादित विकास ध्रुव सिद्धांत, उसको प्रादेशिक और भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन किया है, वो किसने किया है? एओ हर्समैन के द्वारा, सॉरी, जो बोडुबले हैं उनके द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। विकास ध्रुव या फिर केंद्र सिद्धांत का जो सूत्रपात किया गया था, इसका 1955 में किया गया था, पेरोक्स ने किया था। एक कैसे थे? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। पेरोक्स का जो विकास ध्रुव सिद्धांत है, गणितीय विधि पर आधारित था, जिसकी की कमियों को बोडुबले ने दूर करते हुए आर्थिक और सामाजिक विधान जो विकास है उस पर आधारित सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए भौगोलिक विशेषताओं को प्राथमिकता दी। और जो पेरोक्स है, पेरोक्स के अतिरिक्त कुछ अन्य अर्थशास्त्री एवं भूगोलवेत्ता रहे, जैसे कि गुन्नार मेडल है, हर्समैन है 1985 में, एवं जो फ्रीडमैन है 1979 में। इन्होंने विकास ध्रुव की जो संकल्पना थी उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो आपका असहसरण रीजन का है, एक मिनट, पढ़िए आप तब तक क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि जो मूल्य पद्धति है, विश्वास, उस विश्वास, सहानुभूति और नियंत्रण का बहुत सामान्य समूह है, जो किसी सांस्कृतिक समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधता है। आगे जो इसमें आपका रीजन दिया गया है कि जो बहुदेववाद होता है उसमें लोग कई धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते हैं। ये भी सही कहा गया है, आर भी सही कहा गया है, लेकिन ये क्यों विश्वास रखते हैं इसका ये कारण नहीं दिया गया है। ए और आर दोनों सही तो हो जाएगा, लेकिन इनमें इसकी व्याख्या नहीं होगी, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा इसमें, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आर ए दोनों सही है, व्याख्या इनकी ठीक नहीं दी गई है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारा के उद्भव से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनके प्रतिपादक दिए गए हैं, तो चलिए इनको लगा लेते हैं, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे जो साम्य सिद्धांत है, इक्विलिब्रियम थ्योरी है, न्यूटन के बता रहा है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका जो गतिकीय सिद्धांत है ये किसका है? लाप्लास का हो जाएगा। और जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है ये हो जाएगा विलियम बेवेल का हो जाएगा। और जो आपका अप्रगामी यानी कि जो स्टेशनरी वेव थ्योरी है ये हो जाएगी किसके? हैरिस की हो जाएगी। तो ये आपके सभी के सभी सही दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पूरा जलवायु है, पूरा जलवायु के जो क्रायोजेनिक संसूचकांक है उनकी पहचान करनी है। इसमें कौन कौन से दिए गए हैं? जो एवेपोराइट निक्षेपण है, इसमें आइस कोर्स है, द्रव प्रति, एवं जो बर्फ है, बर्फ की चादर है। यहाँ पर इनके सूचकांक कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, यहाँ पे जो आइस कोर्स होता है वो मिलता है जो क्रायोजेनिक सूचकांक है उनमें, और साथ में यहाँ पे मिलेगा क्या, जो बर्फ की चादरें हैं, ये दोनों यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो डी और ई, बी और ई यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। जो पूरा जलवायु है, पूरा जलवायु के क्रायोजेनिक संसूचकों में आइस कोर्स और बर्फ की चादर दोनों मिलती है। जब झीलों के पैंदों में एक के बाद में एक हल्की हल्की परतें स्तरित होती हैं, यानी कि उनके ऊपर में लेयर बनती जाती हैं, तो उनको बावर्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? झीलों के ऊपर में जो परतें बनती हैं उनको क्या कहा जाता है? बावर्स कहा जाता है। तथा जो जल के नीचे जाने के कारण खनिज नीचे जमकर जमा हो जाता है, और इनके सघन होने पर ठोस क्रस्ट का यहाँ पे एक परपटी बन जाती है, उसका निर्माण होता है, इसको कहा जाता है क्या? ड्यूरी क्रस्ट कहा जाता है इसको। ये कब बनता है? जब जो जल होता है, जल के नीचे खनिज क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर के जम करके वो ठोस हो जाता है, तो एक क्रस्ट बनता है, उसको ड्यूरी क्रस्ट कहा जाता है। और जो विश्व है, विश्व में हिम के पिघल कर जो हिम है, हिम का लगभग 91% भाग अंटार्कटिक यानी कि हिम चादर के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। साथ में जो आपका ग्रीनलैंड है,
हिमनदों से प्राप्त होता है हिमक्रोड यानी कि आइस कोर्स। इसमें प्रतिबिंबित झुकाव के आधार पर तीव्र हो सकते हैं यहाँ पर परिवर्तन की। एक छोटी शीत घटना की अवस्था किसी भी समय घटित हो सकती है। पृथ्वी का जो अगला बड़ा जलवायु परिवर्तन है वो कब होगा? 8,000 वर्षों के बाद में माना गया है कि 8,000 वर्षों के बाद में जलवायु परिवर्तन देखा जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो आपका निम्नलिखित में से किस जलवायु वैज्ञानिकों ने अपने जलवायु संबंधी वर्गीकरणों को हैकिस्टोथर्मल अवधारणा की वकालत की है? किसने की है? मिलर ने, केंडोर ने, कोपेन ने, ट्रिवार्था ने। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जो कोपेन थे वो किसके नक्शे कदम पर चले थे? केंडोल के नक्शे कदम पर चले थे। तो आपका बी एंड सी ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण किया था, पांच इनमें दिया था इन्होंने, इनको देखिए आप, केंडोल कोपेन है एवं केंडोल है। जलवायु वैज्ञानिक ने अपने जलवायु संबंधित जो वर्गीकरण थे उसमें हैकिस्टो जो थर्मल है उसकी वकालत की थी। कोपेन ने कैंडोल के द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के निम्न पांच वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन के आधार पर बनाया हुआ है, और इन्हीं के आधार पर जो विश्व की जलवायु है उनको भी विभक्त किया हुआ है पांच समूहों में, जिसका नामकरण ए बी सी डी और ई अक्षरों में किया गया है। कैंडोल ने विश्व की वनस्पतियों को पांच वनस्पति मंडलों में बांटा, उनको देख लीजिए कौन कौन सी हो जाएंगी। पहली इसमें हो जाएगी आपकी मेगाथर्मल, दूसरी हो जाएगी जेरोफाइट यानी कि जो मरुद्भेद होती है, और तीसरी हो जाएगी मेसोथर्मल, चौथी हो जाएगी माइक्रोथर्मल, और जो पांचवी वनस्पति हो जाएगी वो हैकिस्टोथर्मल जन वनस्पति हो जाएगी। आपको कहाँ पे मिलेगी हैकिस्टोथर्मल? बिल्कुल चले जाएंगे आप जब थर्मो के पास में, तो वहां पे आपको ये वनस्पति देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो आपका पेडिमेंट संरचना है इसके पार्श्विक समतल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ है? डब्ल्यू एम डेविस ने, वॉन लिस्थोपेन ने, जी के गिलबर्ट ने या फिर सी डार्विन ने। तो जो आपका पेडिमेंट समतल जो सिद्धांत है उसकी परिकल्पना या प्रतिपादन किया था जी के गिलबर्ट के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही टिक लगा लेंगे, व्याख्या इसके देख लीजिए। पेडिमेंट संरचना के जो पार्श्विक समतल सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था जी के गिलबर्ट के द्वारा, जीके गिलबर्ट ने किया था, और इन्होंने स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित कई नियमों का यहाँ पर प्रतिपादन किया हुआ है। गिलबर्ट ने पहली बार दिया था कौन सा, गतिक संतुलन की संकल्पना दी थी, और स्थल रूपों के अध्ययन में इन्होंने मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया था। विलियम मॉरिस डेविस हैं, इन्होंने 1850 से लेकर के 1940 इनका जन्म टाइम रहा था। सर्वप्रथम स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास से संबंधित साम्य सिद्धांत यानी कि भौगोलिक चक्र की अवधारणा दी थी। वॉन लिस्थोफे ने, इनकी प्रमुख रचना है चीन का भूगोल, इसको भी आप याद रखेंगे। इन्होंने जो चीन की यात्राओं पर आधारित अध्ययन का वर्णन किया था जिसका के प्रकाशन किया था इन्होंने पांच खंडों में, 1877 से लेकर के 1912 तक इन्होंने पांच खंड बनाए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनगणना है 2011 की, उनके आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ क्षेत्र, जो राज्य क्षेत्र है उनके समूह में लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो देख लीजिए कौन कौन से हो जाएंगे। अभी जो आपके क्वेश्चंस हैं जो सेंसस है उससे एक दो क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो आप सेंसस को मत छोड़िएगा, उसको कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दोनों का पूछा गया है लिंग अनुपात। इसमें पूछा गया है तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, गोवा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं गुजरात। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हो जाएगा? सबसे पहले आपका जो सिक्किम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद में आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, 2011 के आंकड़े के अनुसार जो भारत में सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम के बाद में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ये सभी हो जाएंगे। न्यूनतम लिंगानुपात हो जाएगा, ये न्यूनतम में पूछा गया है। अगर शीर्ष में पूछा जाए तो शीर्ष में आप बता देंगे केरल है, केरल का 1084 है, आंध्र प्रदेश है इसका 993 है, मेघालय का हो जाएगा 989, तमिलनाडु का 996, छत्तीसगढ़ का 991, आपके हाईएस्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका पूछा गया था लोएस्ट। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूची एक को सूची दो के साथ में सम्मिलित करना है, तो चलिए मिला देते हैं इनको। जो गुन्नार मेडल है इनकी जो क्या रहा था, सिद्धांत कौन से हैं, विद्वान है और उनके सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए इनको, जो गुन्नार मेडल है इनका सिद्धांत कौन सा था। इनका सिद्धांत रहा था जो परिपथीय और संचयी कारण कार्य संबंध सिद्धांत हो जाएगा, ये आपका किसका हो जाएगा, गुन्नार मेडल का। ए ओ हर्चमैन के द्वारा दिया गया था यहाँ पर, क्या विकास केंद्र और विकास धुरी का सिद्धांत दिया गया था। जॉन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था क्या, कोर पेरिफेरी मॉडल, जॉन फ्रीडमैन के द्वारा हो गया। एक मिनट, ये आपका गलत है। जो आपका गुन्नार मेडल है इन्होंने दिया था कौन सा, सर्कुलर एवं यानी कि जो परिपथीय एवं संचयी कार्य कारण संबंध दिया था। और जो ए ओ हर्ट्जमैन है इनके द्वारा दिया गया था क्या, असंतुलित विकास पर रणनीति, यानी कि जो आपका स्ट्रेटजी एंड अनबेलेंस्ड ग्रोथ दिया था ए ओ हर्ट्जमैन के द्वारा। जॉन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था कौन सा, कोर पेरिफेरी मॉडल। और जो आपका बोर्डोबले है इन्होंने दिया था विकास केंद्र और विकास धुरी का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए का सेकंड हो जाएगा, बी का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, देख लीजिए एक बार फिर से इनको याद कर लीजिए। गुन्नार मेडल परिपथीय एवं संचयी कारण कार्य संबंध हो जाएगा, ए ओ हर्ट्जमैन के द्वारा असंतुलित विकास रणनीति मॉडल हो जाएगा, जॉन फ्रीडमैन के द्वारा जो कोर पेरिफेरी मॉडल है, और बोडीवेले के द्वारा विकास केंद्र और विकास ध्रुव का सिद्धांत हो जाएगा। इन सभी को आप याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे इसी को लेकर के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानवता वाले भूगोल के समर्थक रहे थे, कौन कौन रहे थे मानवतावादी के। हर्ट्जमैन दिया गया है, हैरिस दिया गया है, ब्लॉच दिया गया है, रेडचेल दिया गया है, लेब एवं सैंपल दिया गया है, गुइल के दिया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे मानवतावादी भूगोल के, तो यहाँ पे देखिए रेडचेल नहीं होगा, ये आपके राजनीति भूगोल से संबंधित रहे थे, और साथ में जो आपके इसमें कह रहा है कि ये हैरिस थे, तो हैरिस रहे थे इसमें। और उसके बाद में आपका जो गुइल के है, गुइल के भी मानवतावादी भूगोल से संबंधित रहे थे। और उसके बाद में जो आपके हो जाएंगे यहाँ पे लेब एवं सैमुअल्स, ये भी किससे संबंधित रहे थे, मानवतावादी भूगोल से ये संबंधित रहे थे। तो ए सी और ई ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आप सही से लगा कर अगर चलेंगे। व्याख्या देख लीजिए, हैरिस है, गुल के हैं, ले है, हैरिस है, गुल के हैं और ले हैं, और जो सैमुअल्स हैं मानवतावादी भूगोल के समर्थक रहे थे। सर्वप्रथम 1976 में एक विद्वान रहे थे यीफू त्वान नाम से, उन्होंने मानवतावादी शब्द का प्रयोग किया हुआ है। मानवतावादी जो भूगोल है मानव का एक ऐसा उपागम माना जाता है जो कि मानव के बोध, चेतना, कारकता, सृजनात्मकता, विचार, विश्वास, अनुभव, इन मूल्यों को केंद्रीय और सक्रिय महत्व देता है। इनसे लोग अपने पर्यावरण के लिए मनोवृत्ति या फिर दृष्टिकोण बनाते हैं जो कि पर्यावरण के साथ में उनके संबंधों को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये किस में आ जाएगा आपका, मानवतावादी भूगोल में आएगा, ठीक है। एक मिनट आप वेट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो आपका पवन विदर है, यानी विदर फॉर क्या होता है, विदर मीन्स गैप होता है, इसकी परिघटना किससे संबंधित है, हिमजली अपरदन से, नदी द्वारा पार्श्वरिक अपरदन से, नदी के द्वारा अभिशीर्ष अपरदन से, या फिर जो आपका हिमनदीय समतल है इसके द्वारा। तो जो आपकी पवन विदर या फिर गैप की घटना मिलती है वो किससे मिलती है, जब नदी का फैटबर्ड इरोजन होता है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसकी व्याख्या है, पवन विदर है, गैप की जो परिघटना होती है नदी के द्वारा शीर्ष अपरदन के द्वारा संबंधित है। नदी के विभिन्न भागों के अनुसार अपरदन को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो जाएगा उसका पार्श्वरिक अपरदन, दूसरा हो जाएगा उसका लंबवत अपरदन, तीसरा हो जाएगा उसका शीर्ष अपरदन, और चौथा हो जाएगा उसका मुख अपरदन, ठीक है। मुख यानी कि सबसे एंड में आपका डेल्टा ही जो अपरदन मिलता है वो अपरदन हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भूगोलविद हैं जो कि मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान दिए हैं। डेविस सेवन सैंपल दिया गया है, आगे हटिंगटन और ब्लांच दिया गया है, उसके बाद में जेफरसन और हेम्बोल्ट कहा गया है, उसके बाद में आपका ब्लॉस एवं रेकलस महोदय है, और उसके बाद में गुइल्की और जीन ब्लूम्स है। इन्होंने किस पर मानव केंद्रित भूगोल पर विकास किया हुआ है? तो यहाँ पर इनके साथ में डेविस दे दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। सैंपल आपके एनवायरमेंट से संबंधित थी, और जो आपके हटिंगटन है ब्लॉस हो जाएंगे, जेफरसन और हम्बोल्ट है। ब्लॉस तो है लेकिन हटिंगटन नहीं है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ब्लॉस हो जाएंगे और रेकलस हो जाएंगे, गोयल के और जीन ब्लूम्स हो जाएंगे। ये किससे संबंधित है? मानव भूगोल से संबंधित हो जाएंगे। डी और ई सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें आपका ये करेक्ट हो जाएगा, डी एंड ई सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, ब्लॉक्स है, लेकुलर है, गुलके है, जीन ब्लूम्स है, इन्होंने मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान दिया है। ब्लॉन्स ने पेज संकल्पना को प्रतिपादित किया था, और ब्लॉन्स ने कहा है कि मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित होते हैं, केवल उसी के माध्यम से उसकी व्याख्या की जा सकती है। अमेरिका की जो एलिन चर्चिल सैंपल है, नियति विचारों के प्रबल समर्थक रही थी, जो कि किसके शिष्या रही थी? फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या रही थी, ठीक है। आगे पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के त्रिकोण है उसका प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत है, उसकी अवधारणा किसने दी थी? वॉल्टर एजार्ड, एम के बर्डमैन ने, डी एम स्मिथ ने, या फिर अल्फ्रेड वेबर ने। तो जो न्यूनतम परिवहन लागत है इसकी अवधारणा या फिर सिद्धांत ये दिया हुआ था अल्फ्रेड वेबर के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें आप सही करके थोड़ी सी इसकी परिभाषा देख लीजिए। स्थितिज त्रिकोण है इसका प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत की अवधारणा अल्फ्रेड वेबर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये प्रथम विद्वान थे जिन्होंने उद्योग के स्थानीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जबकि जो स्थानीकरण है इसकी विचारधारा को सबसे पहले 1882 से लेकर के 1885 के बीच में विलियम लॉन्हार्ट ने प्रस्तुत किया था। इनका नाम कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप एक समझ के लिए इनको को जान करके चलेंगे, ठीक है। और जो वेबर है, इनकी पुस्तक 1909 में जर्मनी भाषा रही थी, ओबे डेन स्टैंडर्ड डेन इंडस्ट्रियल में प्रकाशित की गई थी, जिसका कि अंग्रेजी अनुवाद 1929 में हुआ था। तो आपकी ये वाली पुस्तक पूछी जाती है, थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से इन्होंने अपनी बुक लिखी हुई थी, ठीक है। इन्होंने तो जर्मन भाषा में लिखी थी, लेकिन उसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था वो 1929 में किया गया था। तो आप इस बुक को याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट बुक है, अल्फ्रेड वेबर के द्वारा ये लिखी गई है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई स्थान है, किसी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के दो चक्र आते हैं, उन करने के लिए कुल कितनी समयावधि की आवश्यकता होती है? तो बता दीजिए कितनी की होती है, दो पूर्ण ज्वार को 24 घंटे से अधिक की होती है, ठीक है। आपको अधिक टाइम दिया नहीं गया है, तो आप उसको कितना रखेंगे? 24 घंटे से अधिक आप मान करके चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ दिए गए हैं, परिसंचरणों के पवन की चाल प्रति किलोमीटर घंटा में दी गई है। तो देख लीजिए, निम्न दबाव क्षेत्र होगा वहां पर कैसी चाल रहेगी इनकी? निम्न दबाव में यानी कि सबसे कम जो आपका 31 से कम हो जाएगा। चक्रवाती तूफान, आप अवनमन एवं तेज चक्रवाती तूफान, तीनों को पढ़ लीजिए। इसके बाद में जो आपका चक्रवाती तूफान आएगा वो 62 से लेकर के 88 पर आएगा। उसके बाद में जो आपका डिप्रेशन है, अवनमन होगा वो 31 से 49 पर होगा, उसके बाद में चक्रवात बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद तेज जो तूफान आएगा वो कितना हो जाएगा? 79 से लेकर के 118 प्रति किलोमीटर घंटा हो जाएगा। इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ उसका किस तरीके से उसमें प्रेशर बढ़ता जाना है, किस तरीके से चक्रवात बढ़ता जाएगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसको टिक लगा करके, सी ऑप्शन, और आप बढ़ जाएंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक लक्षण हैं भारत के शुष्क मानसून वनों से संबंधित, इसमें कहे गए हैं? तो शुष्क मानसून वनों में क्या होता है उनको देख लीजिए। वार्षिक वर्षा यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बता रहा है। वृक्षों की जो जड़ें होती हैं छोटी बताई गई है, और जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि के लिए पूरे वर्ष परिस्थिति यहाँ पे अनुकूल रहती है।
अगर अनुकूल रहती है तो शुष्क क्यों होता है? ठीक है, ये जो हो जाएगा ये मरुस्थल की बता रहा है, ठीक है, ये मरुस्थल में देखी गई घटना है। और आगे कह रहा है कि यहाँ पे क्या होती है, वृक्षों के बीच में कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं, घास के स्थल पाए जाते हैं, तो ये आपके शुष्क वनस्पतियों का उदाहरण है, इसको टिक लगाएंगे। और साथ में जो आपका आम है, महुआ है, शीशम है, कीकर है, ये यहाँ के मुख्य वृक्ष बता रहा है, तो ये भी आपके सही हो जाएंगे। डी और ई यानी कि जो आपका ऑप्शन है डी, इसको सही लगा करके टिक और पढ़ जाएंगे फटाफट से आगे, क्योंकि अपन लोगों को जो पेपर है पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इनको मानसून वन भी कहते हैं, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बीच में यहाँ पे वर्षा चाहिए होती है, 15 पॉइंट यानी कि 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे तापमान चाहिए होता है, 63 से लेकर के 77% यहाँ पे आर्द्रता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर साल है, सागौन है, कीकर है, शीशम है, चंदन है, हर्रा, महुआ, खैर, तून, कुसुम, ये सब यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों के बीच में कांटेदार झाड़ियां भी मिलती है, घास के स्थल भी पाए जाते हैं, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वो कहाँ पे बात कर रहा है, ये मरुस्थली जो वन होते हैं उनकी ये बात कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से भौमिक आपदाओं को पहचानना है, किस कौन सी जो आपदा है भूकंप मतलब भूमि के द्वारा आती है, शीतलहर है, शीतलहर आपके जो देखने को मिलती है वो क्या पृथ्वी के द्वारा देखने को मिलती है? नहीं, वो वायुमंडलीय घटना हो जाएगी। भूकंपीय जो घटना है ये कहाँ से मिलेगी आपको? भौमिक घटना है। और जो उल्कापिंड है उनका पृथ्वी से टकराना, ये किस में आ जाएगा आप लोगों का? ये भी उल्कापिंड कहाँ से आते हैं? वायुमंडल से आते हैं, ऊपर आसमान से उनको आया हुआ बताया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। साथ में जो सुनामी है, सुनामी यानी कि जब आपका भूकंप आता है, समुद्र की जो लेयर्स है समुद्र के परत में नीचे भूकंप आता है तब सुनामी देखने को मिलती है, तो बी और डी आपके जो भौमीय घटना हो जाएंगी। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? बी एंड डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते, कुछ भूकंप है उनके क्षेत्र देख लीजिए, उनकी डेट भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कक्ष में जो भूकंप आया हुआ है 16 जून 1819 को आया था, असम का भूकंप आया था 10 जनवरी 1869 को, कोयना में यानी कि जो महाराष्ट्र में भूकंप आया हुआ था वो आया है 11 दिसंबर 1967 को, और जो भुज है कच्छ गुजरात का वो उसमें आया था 26 जनवरी 2001 को, यहाँ पे भूकंप देखा गया था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट कह रहा है कि जो महासागर है उनके अवसाद है, तलछट, परिवहन के भार, संचलन के, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं महासागरों के अवसाद से परिवहन के द्वारा? कर्षण होता है, लवणीकरण है, प्रक्षुब्ध प्रवाह है, या फिर उड़न, या फिर फ्लूकमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। कर्षण भी होता है, ट्रैक्शन में टकराव भी होता है, साल्टेशन भी होता है जो लवणीकरण होता है, और साथ में जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो भी होता है यहाँ पे, तो ए बी एंड सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, जो महासागर है उसमें पाए जाने वाले अवसाद है मुख्य रूप से 3 स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्थलीय या फिर जो भूमिगत स्रोत होता है, भौमिक स्रोत होता है उससे, दूसरा होता है ज्वालामुखी का उद्भेदन, और तीसरा जो सागरी जीव है एवं वनस्पतियां हैं उनके जो अस्थि पंजर होते हैं उनसे यहाँ पे प्रभाव देखा जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कृषि है कृषि में औद्योगिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा गया है बता दीजिए? बड़े कृषि फार्मों की यहाँ पर जरूरत होती है, बिल्कुल, तभी तो उनका औद्योगिकरण होगा, बड़े कृषि फार्म चाहिए होंगे, और जो प्रति इकाई उत्पादन कम क्रम जो श्रबल क्रम बल लगता है यहाँ पे, ठीक है, ये भी ठीक कहा गया है इसमें। लेबर यहाँ पे क्या करता है, जो मशीन काम ज्यादा करती है, दूसरा यहाँ पे सहयोग प्रबंधक होता है, और तीसरा इसमें कह रहा है कि यानी कि लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्रेटिसाइट, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं और कीटनाशक होते हैं उनका यहाँ पे कम प्रयोग किया जाता है, तो आपका ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है,
गलत हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जब आप औद्योगिकरण के लिए, उद्योग के लिए जब आप कृषि करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड चीजें, यानी कि जो आपके संकर चीजें हैं, उनका उपयोग किया जाता है, ना कि कम फर्टिलाइजर का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और वही आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। जो समुद्री प्रदूषण है उसका उच्चतम स्रोत होता है नौ परिवहन, एक ऑप्शन कह रहा है आपका। दूसरा है जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसमें समुद्री प्रदूषण द्वारा संकटापन्न जो प्रवाल वृत्तियां होती हैं हाईएस्ट परसेंटेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, कि जो समुद्री प्रदूषण का उच्चतम स्रोत नौका परिवहन नहीं होता है, जो आसपास की नदियां होती है वो उसका प्रदूषण का सबसे ज्यादा स्रोत माना जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें कह रहा है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें जो समुद्री प्रदूषण होता है इसके द्वारा संकटापन्न प्रवाल वृत्तियां हैं उनका हाईएस्ट परसेंटेज देखने को मिल रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट आप जब तक क्वेश्चन पढ़ें पानी पी। नेक्स्ट देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन से पारिवारिक शब्द हैं जो कि स्लिप साइकोमीटर से संबंधित नहीं है, कौन कौन से हो जाएंगे। थर्मोमीटर है, फैबले ज्वाइंट है, स्क्रीन है, छलनी एवं सीव हो जाएगी। तो इसमें कौन किससे संबंधित नहीं है, साइक्रोमीटर से, जो स्लिप साइक्रोमीटर होता है इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, स्क्रीन और छलनी, ये किसमें नहीं आएंगे, स्लिप साइक्रोमीटर में नहीं आएंगे। बाकी थर्मामीटर एवं स्काई जो स्वाई प्ले है, ज्वाइंट्स है, ये दोनों किसमें आ जाएंगे, आपके स्लिप साइक्रोमीटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे यही दोनों आ जाएंगे इससे, हाँ इसमें नहीं है पूछा गया ना, तो ये आपका सी एंड डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें आप सही लगा करके आगे बढ़ेंगे। उत्तर वैश्वीकरण के समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया था। तो यहाँ पे जो 1950 की तुलना में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा दोगुना हो गया था, एवं जो अब व्यापार है, व्यापार में संरक्षण प्रवृत्ति को अधिक हतोत्साहित किया गया है, सत्य कथन इसमें पूछा गया है, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि जो विकासशील देश हैं इसके हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है, और जो निर्मित वस्तुओं का हिस्सा है तेजी से बढ़ा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे क्या, 1950 की तुलना में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसका हिस्सा दोगुना हो गया है, या तो सही कह रहा है। और यहाँ पे जो अब व्यापार में जो संरक्षणवादी प्रवृत्ति है उसको अधिक हतोत्साहित नहीं किया गया, उसको क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया। तो ये आपका एक शब्द है ये गलत दिया गया है, इसके कारण ये गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो विकासशील देश है उसके हिस्सों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, बिल्कुल यहाँ पे वृद्धि देखी गई है, सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। निर्मित वस्तु है उसका हिस्सा भी तेजी से बढ़ रहा है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ए सी एंड डी तीनों ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पता नहीं, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़िए, व्याख्या देख लीजिए। उत्तर वैश्वीकरण है इसके समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार 1950 की तुलना में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा दोगुना हो चुका है, विकासशील देशों में जो हिस्से हैं पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, वर्तमान में जो निर्मित वस्तुएं हैं उनमें भी क्या है, तेजी से बढ़ रही हैं, तथा विश्व का व्यापार जो है इसको ध्यान में रखते हुए 1948 में, कब, जो 1948 है उसका टाइम हुआ था, गैट का गठन किया गया था, जैसे कि जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा के रूप में इसको रूपांतरित किया गया था, जिसका के मुख्यालय जेनेवा या फिर स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे गेट का मुख्यालय, ये भी आप याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन ऐसे जनसंख्या पिरामिड है इनको इंगित करता है जिसका आधार कैसा होता है, विस्तृत होता है, लेकिन जो आयु वर्ग है एज कोहर्ट है वो कैसा होता है, वृद्धि के साथ में संकुचित हो जाता है। तो वो किसका होगा, जहां पे जन्म दर होगी वो ज्यादा होगी और मृत्यु दर कम होगी, या फिर यहाँ पे जन्म दर कम होगी और कम मृत्यु दर होगी, या फिर यहाँ पे जो मृत्यु दर है वो भी उच्च होंगी और जन्म दर है वो भी उच्च होंगी। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कैसा पूछा गया है, आधार इसका चौड़ा पूछा गया है, लेकिन जो आपका जो एज कोहोर्ट है यानी कि वृद्धि के साथ में जब आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये संकुचित होता जाएगा, ठीक है, संकुचित होगा। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ पे हाईएस्ट तो जन्म दर रहेगी और हाईएस्ट ही मृत्यु दर रहेगी, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा आपको शोर महसूस हो रहा होगा, कारण उसका यह है कि घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, कौन हो जाएगा, धातु ऐसा हो जाएगा, प्राकृतिक गैस है यानी कि जिनको हम फिर से यूज कर सकते हैं उनको कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, धातु अयस्क हो जाएगा, प्राकृतिक गैसें हो जाएंगी, मछलियां हो जाएंगी यानी कि जिनको हम फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मछलियां हो जाएंगी जो नवीकरणीय संसाधनों में, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मछलियां है इनको नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, जबकि जो धातु अयस्क है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन सेल है, ये सभी कैसे हो जाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ संसाधन दिए गए हैं, परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत। परंपरागत में आपके एक बार यूज करने के बाद में इनका हम फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, कोयला है, खनिज ईंधन है, पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा हो जाएगी। दूसरे पे आपका गैर परंपरागत ऊर्जा में सौर ऊर्जा हो जाएगा, इनका हम फिर से यूज कर सकते हैं, पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल ऊर्जा हो जाएगा, भूतापी ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके गैर परंपरागत में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। एक शोधकर्ता परिवार के आकार और आय के बीच में इनके संबंध का अध्ययन करना चाहता है, वह जनसंख्या को विभिन्न आय वर्गों में भी बांटना चाहता है और जो चयनित आय वर्ग हैं उनको यादृच्छिक नमूना लेना है, तो वह कौन सी तकनीक का प्रयोग करेगा, ठीक है। गुच्छ नमूना चयन करेगा यहाँ पे, यादृच्छिक करेगा, या फिर जो आपका स्तरित यादृच्छिक नमूना है कि यहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है इसका उपयोग करेगा, या फिर व्यवस्थित नमूना चयन है। तो एक परिवार का कर रहा है ना, उसमें उनके आकार का, आय के बीच का भी संबंध देख रहा है, साथ में जनसंख्या है, उनके आय वर्गों को भी बांट रहा है। तो यहाँ पर जो आपका जो समूह होगा वो सैंपल लेगा, वो लेगा कैसा, इस तरह लेगा, ठीक है, यादृच्छिक लेगा, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए, एक शोधकर्ता है, रिसर्चर है, परिवार के आकार और आय के बीच में संबंधों का अध्ययन करना चाह रहा है, वह जनसंख्या को विभिन्न आय वर्गों में भी बांट रहा है, चयनित आय वर्गों से यादृच्छिक नमूना लेता है, स्तरित यादृच्छिक नमूना चयन तकनीक का यहाँ पर यह प्रयोग करेगा। जो चयनित प्रक्रिया होती है, प्रतिचयन सैंपलिंग जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, प्रायिकता और अप्रायिकता। प्रायिकता होती है उसमें जो प्रतिरूप होते हैं सरल होते हैं, यादृच्छिक होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, स्तरित होते हैं, गुच्छ होते हैं, बहुआयामी एवं द्विपक्षीय, इन सभी का यहाँ पर प्रमुख महत्व तो देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, पूछा गया है, गिरी है, टोंस है, बांटा है, टांगरी है। तो जो आपकी टांगरी नदी हो जाएगी वो किससे संबंधित नहीं है, यमुना नदी से संबंधित नहीं है, बाकी गिरी नदी, टोंस नदी, बांटा नदी ये सभी संबंधित है यमुना की, ये सभी सहायक है यमुना की, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो टांगरी है या फिर डांगरी नदी इसको बोल लीजिए आप, घग्गर यानी कि हरियाणा में मिलती है जो घग्गर नदी उसकी सहायक नदी है, जबकि अगर यमुना की बात करें तो आप उसमें देखेंगे टोंस है, गिरी है, असन है, बाटा, ये सब किसके सहायक नदियां हो जाएंगी, यमुना की हो जाएंगी। यमुना नदी की लंबाई पूछ लिया तो बता देंगे आप 13,384 किलोमीटर है, अपवाह क्षेत्र इसका 3,66,223 किलोमीटर है, जो कि नहीं पूछा जाता है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ये पूछा जाता है, जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ये भी पूछा जाता है। यमुना नदी के मैदानी क्षेत्र में चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण से मिलती है, हिंडन, रिहंद, सेंगर, नान, वरुणा और जो सुश्रुत
कौन सी है? ससुर खदेरी, ये उत्तर से आकर मिलने वाली इसकी नदियां हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ये पेपर थोड़ा सा लंबा था तो सॉल्व करने में भी, पढ़ने में इसको इतना टाइम लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क संज्ञा के प्रोण चरण को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? विपरीत रूप से जो आपसित क्षेत्र हैं उनका बीच का विद्युतीय तनाव, अचानक वर्षा को शुरू हो जाना, तर्क संज्ञा का इसमें रूप पूछ रहा है। तो जो तर्क संज्ञा होती है वो क्या होती है? अचानक से क्या होता है? वर्षा का शुरू हो जाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी, जो अचानक से वर्षा शुरू होती है उसको जाना जाता है तर्क झंझा के नाम से। तर्क झंझा जो होती है एक स्थानीय झंझावत होता है जिसमें कि विस्तृत होता है, घने कपासी बादल बनते हैं, नीचे से ऊपर की ओर में प्रबल हवाएं चलती है। तर्क झंझा होती है उसमें विभिन्न कोशिकाएं अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हो सकती हैं। पहली अवस्था है इसमें कपासी अवस्था होती है, दूसरी जो अवस्था होती है भ्रूणाकी अवस्था होती है, तीसरी जो अवस्था होती है जिसमें कि क्या होती है, दूसरी अवस्था में हवा ऊपर उठती है, नीचे दोनों ओर यहाँ पे प्रवाह होता है, ऊपर उठने के कारण वायु ठंडी होती है, ठंडी होकर के वर्षा करती है, और ये वर्षा नीचे से ऊपर की ओर में उठती है, जो हवाएं होती हैं उनसे घर्षण होता है जिसके कारण वायु का कुछ भाग नीचे की ओर में प्रवाहित होने लगता है, और तरती हुई जो वायु ठंडी होती है, तीसरी यहाँ पे क्या होती है, तीसरी अवस्था में विलीन की यहाँ पे अवस्था होती है, यानी कि खो जाते हैं बादल वगैरह सब गायब हो जाते हैं, मौसम आपका क्लीन हो जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप कह रहा है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरंगों के बारे में सही नहीं पूछा गया है? तो जो तरंग है इनकी ऊंचाई तरंग की ऊर्जा का संकेतक नहीं होते, बिल्कुल ही गलत कहा गया है। अगर तरंग की ऊंचाई है, कितना ऊंचा वो जा रहा है तो किससे संबंधित होगा? तरंग की ऊंचाई से संबंधित होगा। पहला आप इसको गलत कर दीजिए। आगे कह रहा है कि जो तरंग की ऊंचाई है तरंग की शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन, का जो खुले जल है, खुले जल की दूरी जिसमें कि तरंग चलती है उसकी ऊंचाई को प्रभावित करती है, बिल्कुल खुला जल को प्रभावित करती है। चौथा कह रहा है इसमें कि समुद्र की गहराई तरंग की ऊंचाई को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी सी डी तीनों सही है, लेकिन यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है तो आप इनको कर देंगे क्या क्रॉस, हो गए, और आप इसको कर देंगे क्या राइट, क्योंकि गलत पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ए दिया गया है ए में ही, तो इसको टिक लगा करके बढ़ जाएंगे, कब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित समूह क्षेत्र समूहों में से किसमें वर्तमान में जो बौद्ध धर्म है इसका स्थानिक वितरण संकेंद्रित है? कहाँ पे है जो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा संकेंद्रण? चीन, तिब्बत, कोरिया, साइबेरिया, दक्षिण पूर्व एशिया में है, उसके बाद में तिब्बत में है, उसके बाद में मंगोलिया हो जाएगा, और उसके बाद में आपका जापान हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी ही सही हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिए और आगे व्याख्या पढ़ते हैं। सभी ऑप्शन को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम क्या है बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर सभी ऑप्शन को अपन लोग पढ़ करके चलेंगे, जिसमें सभी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत लगेगी, वहां पे अभी सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। वर्तमान समय में बौद्ध धर्म का स्थानिक वितरण है दक्षिण पूर्व एशिया, उसके बाद में तिब्बत है, उसके बाद में मंगोलिया हो जाएगा और जापान हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण विश्व में अगर जो बौद्ध धर्म है उनकी संख्या देखी जाए तो 53 करोड़ बौद्ध लोग पाए जाते हैं, जो कि लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार एवं श्रीलंका में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके कौन से। चलिए आगे बढ़िए, रैली फॉर वैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था इस समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था, कहाँ पे है ये? पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैव विविधता के लिए, जो विस्थापित व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास के लिए, या फिर कृषि भूमि हास के लिए। तो जो आपका रैली फॉर वैली चलाया गया था, ये चलाया गया था जो विस्थापित व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, व्याख्या इसकी देख लीजिए, एक मिनट। चलिए, जो रैली फॉर वैली कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया था विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या को उजागर करने के लिए, जो कि जो नर्मदा नदी है उसमें बड़ी संख्या में बांधों की परियोजना के निर्माण के खिलाफ में आदिवासी और किसान पर्यावरणविद थे,
मानव अधिकार कार्यक्रम के द्वारा इसको शुरू किया गया था, जो कि एक भारतीय सामाजिक आंदोलन के रूप में उभरा था। ठीक है, आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गंगा के सबसे अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग से जनित होता है? रसायन से, लुगदी एवं कागज से, चीनी से, या फिर मद्य निर्माण से? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये लुगदी और कागज उद्योग हो जाएगा। पल्प एंड जो पेपर उद्योग है उसके द्वारा जो गंगा है वो प्रदूषित हो रही है, उसका सबसे ज्यादा अपशिष्ट वहां पे पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो किसी भी विषयक नक्शा के रूप में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का उपयोग घटना और मौजूदगी, इसके स्थानिक प्रतिरूप, वितरण, फैलाव, इसको दर्ज करने के लिए किया जाता है? सम्मान रेखा मैपिंग, या फिर आइसो लाइन मैपिंग, कोरोप्लेथ मैपिंग, या फिर बिंदु विधि मैपिंग? यहाँ पे किसका पूछा गया है? जो वहां की पद्धति है उनके उपयोग घटना की मौजूदगी, इसकी स्थानिक प्रतिरूप, वितरण एवं फैलाव, इसको दर्ज करने के लिए किया जाता है, उसमें बिंदु विधि मैपिंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो डॉट मेथड है इसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। किसी भी वैश्विक नक्शा में जो बिंदु विधि मैपिंग में उस पद्धति का उपयोग किया जाता है, इसकी मौजूदगी के लिए, इसकी जो स्थानिक घटना है उसके लिए, और साथ में वितरण के लिए, फैलाव के लिए, इसको दर्ज करने के लिए यहाँ पे बिंदु विधि का प्रयोग किया जाता है। जो सम्मान रेखा मानचित्र है, किसी भी जो वस्तु है उसका समान मूल्य या फिर समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। कोरोप्लिथ मेथड में किया जाता है किसका प्रयोग? भिन्न भिन्न जो घनत्व वाली छायाएं होती हैं उसके द्वारा वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्र, औसत संख्या एवं जो परसेंटेज मूल्य है, जैसे कि जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर में घनत्व कितना है, इन सभी को अगर आप प्रदर्शित करेंगे तो उसमें जो प्रयोग किया जाएगा कौन से मैपिंग का? कोरोप्लिथ मैपिंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मानचित्रों को बड़े से छोटे मापक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़े से छोटे मापक क्रम में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आ जाएगा आपका भूगर्भ मानचित्र, यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर के, जैसे आप अपने खेत का बनवा रहे हैं, आप अपने गांव का बनवा रहे हैं, इस तरीके से आपका एक बड़े पैमाने पर, छोटी जगह का बड़े पैमाने पर बनेगा। उसके बाद में आपका आएगा कौन सा? स्थलाकृति मानचित्र बनेगा। ठीक है, स्थलाकृति मानचित्र भूगर्भ के बाद में, यानी कैडस्ट्रल के बाद टोपोग्राफिकल बनेगा। ये बन जाएगा ए बी, बी के बाद में आपका दीवारी जो मानचित्र होता है, दीवार मानचित्र होता है वो बनेगा। बॉल मैप जो होता है वो बन जाएगा, और सबसे जो एंड में बनता है वो आपका कौन सा बनेगा? ग्लोब बनेगा। ग्लोब क्या होता है? एक छोटे से क्षेत्र में छोटी सी चीज पर पूरे विश्व को दिखा दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये ग्लोब हो जाएगा। ठीक है, इनका हो जाएगा ए बी सी डी, सभी सही से सुमेलित दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके कुछ चाहिए शब्दावली दी गई है, उनकी परिभाषा दी गई है, इनको आप लोगों को क्या करना है? मैच करना है। तो चलिए मैच कर लेते हैं इनको। जो सांस्कृतिक हृदय स्थल है वो कहाँ पर होगा? हर्ट कहाँ पर होता है? ये आपका कोर क्षेत्र होता है। जो हृदय स्थल होता है यहाँ पे क्या होता है? अभिनवता का क्षेत्र होता है, जिसमें कि प्रमुख सांस्कृतिक तत्व तो आसपास के क्षेत्र क्या होते हैं? प्रसारित हो जाते हैं। तो आपका ये कहाँ पे आ जाएगा? हृदय स्थल में आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे सांस्कृतिक भूदृश्य दिया गया है, ये कहाँ पे होगा? आपका किसी भी संदर्भ परिवर्तित सतह हो जाएगा। यहाँ पे जो संबंधित सांस्कृतिक भावनाएं हैं तथा भूदृश्यों को दर्शाने वाला क्षेत्र होता है वो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? सांस्कृतिक भूदृश्य हो जाएगा, इसको लगा देंगे। अब सांस्कृतिक गुण किसमें देखने को मिलेंगे? जो गुण देखने को मिलेंगे वो आप वहां पे गुण में, मतलब वहां के मानव का व्यवहार कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की संस्कृति कैसी है, इन सब आपको किस में देखने को मिलता है? सांस्कृतिक गुण में देखने को मिलता है। तो वहां पे आपका सही हो जाएगा सांस्कृतिक मानदंड, जो कि विद्वतापूर्ण व्यवहार को दर्शाता है, ये आपका क्या हो जाएगा? चलो ट्रेड से आपको सांस्कृतिक गुण हो जाएगा। रियल अर्थ परिमंडल में आपका क्या हो जाएगा? जो किसी भी समयावधि में मानवीय कार्य द्वारा परिवर्तित
भू सतह या फिर क्षेत्र का मूर्त भौतिक रिकॉर्ड इसमें देखा जाता है, ये आपका रियल अप में आ जाएगा, तो डी का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए, ए का यहाँ पे सेकंड अपन लोगों ने लगाया है, बी का यहाँ पे फोर्थ लगाया है, सी का फर्स्ट लगाया है, डी का थर्ड लगाया है, तो आप सही लगा लेंगे किसको, ए को। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए, सांस्कृतिक हृदय स्थल क्या होता है? अभिनवता का क्षेत्र होता है जिसमें कि प्रमुखता संस्कृति तत्वों के आसपास के क्षेत्रों में प्रसारित होते हैं। दूसरा यहाँ पर भूदृश्य समय क्या होता है? किसी भी समय अवधि में मानवीय कार्यों के द्वारा परिवर्तित भू सतह होती है या फिर क्षेत्र के मूर्त और भौतिक यहाँ पर रिकॉर्ड देखे जाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक गुण है, इनमें क्या होता है? सांस्कृतिक मानदंड जो कि विद्वतापूर्ण व्यवहार को दर्शाते हैं। और नेक्स्ट आपका जो सांस्कृतिक परिमंडल है, इसमें संबंधित जो सांस्कृतिक भावनाएं होती हैं, भूदृश्य से होते हैं, इनको दर्शाने वाला सांस्कृतिक क्षेत्र होता है, ये किसमें आ जाएगा? सांस्कृतिक परिमंडल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, कुछ शब्दावली दी गई है, उनकी परिभाषाएं दी गई है, तो इनको भी आप देख लीजिए। नगर क्षेत्र क्या होता है? नगर क्षेत्र में आपके आ जाएंगे कि जो बिना किसी राजनीतिक सीमा के स्वतंत्र रूप से निर्मित होते हैं। बहुनगरीय केंद्रीय सतह जो सही सतह होती है, नगरीय निर्मित क्षेत्र होते हैं। बहुनगर जिसकी जनसंख्या दूसरे क्रम के नगर की जनसंख्या में बहुत अधिक दोगुना होती है। दोगुना यानी कि ये बात कर रहा है प्राइमेट सिटी की। ठीक है, और जो आपका नगर है, नगर के बाहर जो बहुत अधिक नगरीय प्रभाव देखने को मिलता है, वो कौन से क्षेत्र में मिलता है आपका? तो चलिए इसको देख लेते हैं, आपको पहले नगरीय क्षेत्र में बहुनगरीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे नगरीय केंद्र होते हैं, इनके सतह में सतत नगरीय निर्मित क्षेत्र होते हैं, ए का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। कॉनर्वेशन सन्नगर में आपका आ जाएगा, ये आपका गलत है, एक मिनट, जो आपका नगरीकृत क्षेत्र होता है आपका जगह क्या, बिना किसी राजनीतिक सीमाओं के सतत रूप से निर्मित भूदृश्य होता है, वो नगर क्षेत्र में आ जाएगा। कॉनर्वेशन जो बनता है आप लोगों का, यहाँ पे क्या होते हैं कॉनर्वेशन यानी कि कई सारे नगर केंद्र होते हैं और सतत नगरीय निर्मित क्षेत्र होता है, तो ये आपका कॉनर्वेशन में आ जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे नगरीय प्रभाव जोन होता है यानी कि अर्बन इन्फ्लुएंस जोन होता है, ये कैसा होता है? नगर के बाहर बहुत अधिक नगरीय प्रभाव वाला क्षेत्र हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? नगरीय प्रभाव जो हो जाएगा। प्राइमेट सिटी है, प्राइमेट सिटी कहाँ पे मिलता है ये? बहानगर जिसकी जनसंख्या दूसरे क्रम की नगर जनसंख्या के बहुत अधिक दुगुनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का यहाँ पे, ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का सेकंड है, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आप इनको देख लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, अब आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, टर्म्स दे जाते हैं, उनकी परिभाषा दे दी जाती है, इसी तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, नगरीकृत क्षेत्र होता है यानी कि कोई भी यहाँ पर राजनीतिक सीमा नहीं होती है और एक सतत रूप से वो भूदृश्य बनता जाता है। सन्नगर जो कॉनर्वेशन होता है, वो क्या होता है? कई सारे नगरों का केंद्र होता है और वो नगरीय निर्मित क्षेत्र होता है। नगरीय प्रभाव जोन में क्या होता है? नगर के बाहर बहुत अधिक क्षेत्र का फैलाव हो जाता है और उस नगर का प्रभाव उस पर देखने को मिलता है, उसको कहा जाता है क्या? नगरीय प्रभाव जोन। प्राइमेट सिटी एक मुख्य नगर होता है जिसकी जनसंख्या क्या होती है? दो गुने से भी अधिक होती है दूसरे नगर को देखी जाए तो। ठीक है, आगे बढ़िए, 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या फिर किन भूआकृति समूह द्वारा निर्माण जो होता है अपरदन के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे अपरदन के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां पूछी गई हैं, जिसमें कि फ्योर्ड है, ड्रमलिन है, प्राकृतिक तटबंध इसमें दिया गया है, जो कि आपका कैसा हो जाएगा? निक्षेपण हो जाएगा, इसको हटा देंगे। प्लाया है, चोटी है, ब्लेरंथ है, ये भी आपके कैसे हो जाएंगे इसमें? आगे इसमें दिया गया है एस्टर है, हिमानी धौत यानी कि जो आउटबॉस जो प्लेन होते हैं, गुलासमी मृतिका होती है। आगे इसमें सर्क है, स्टेलेग्माइट है और जो आपके बेंटिफेक्स है, वायु ग्रटास्म होते हैं, ये बनते हैं किसके द्वारा? यहाँ पे जो आपका अपवर्धन के द्वारा पूछा गया है, अपवर्धन में प्लाया बनेगी, चोटी बनेगी,
बिलैर रंध्र बनेगा, जो स्वेलो होल्स बनते हैं, ये सभी अपवर्तन के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां हो जाएंगी। जो आपका बनता है हिमानी ध्वन प्लेन है, ये आपका बनता है अब निक्षेपण के द्वारा, और जो आपको स्टेलेगमाइट कहा गया ये भी निक्षेपण के द्वारा बनता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसको आपका हाँ बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और इसका जो बी दिया गया है वो कहाँ पे दिया है, डी में दिया है, ठीक है। तो आप इसका डी लगा लेंगे, इसको भी आप देखते जाइए क्योंकि कहीं कहीं ऐसे भी घुमा दिया जाता है ऑप्शंस में भी, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लीजिए इसकी। पिलाया है चोटी है बिलरंध्र है, भूआकृति समूह का निर्माण किया जाता है अपवर्तन के द्वारा। पिलाया का जो क्षेत्रफल है कुछ वर्ग किलोमीटर से सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। अधिक नमक वाली सतह जो होती है उसको प्लाया या फिर सेलिनास अरब के रेगिस्तान में खबरी एवं जो खबरी तथा ममलाहा तथा सहारा में इसको सट कहते हैं। ये भी नाम आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दिमाग घुमाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। घोल के द्वारा जब क्षेत्रों का विस्तार हो जाता है, यानी कि जब आप काष्ठ स्थलाकृतियां होती हैं, चूने वाली स्थलाकृतियां होती हैं, उनमें नदी का यहाँ पर परिवहन होता है तो घोल बनता है। घोल के द्वारा क्या होता है, जब वो छिद्र होते हैं, सुराख होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, घोल रंध्र का आकार बन जाता है। इस तरह के जो विस्तृत घोल रंध्र होते हैं उनको बिलियन छिद्र या फिर स्वेलो होल्स कहा जाता है। लाइमस्टोन जो होता है उसकी खुली सतह पर जब चट्टान है उनके संधियों को अपनी घुलन क्रिया के द्वारा विस्तृत करने लगता है, बड़ा करने लगता है, जिसके कारण छोटी छोटी शिखरिकाएं यानी कि रिजेस एंड पिनेकल्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री धाराओं का सही क्रम पूछा गया है, तो आप इनको लगा दीजिए, ठीक है। पश्चिमी पवन प्रवाह कहा गया है, उत्तर विषुवती धारा कही गई है। देखिए जहां पे आपको विषुवती धारा कही जाना है, इसको सबसे पहले आंख बंद कर करके ऊपर रख देना है। तो पहले नंबर पे आपकी कौन सी हो जाएगी, उत्तर विषुवती धारा हो जाएगी। दूसरे में इसमें कह रहा है कि पश्चिम का पवन प्रवाह हुआ था, नहीं। उसके बाद में आपकी कौन सी आएगी, क्यूरोसियो की धारा आएगी। और उसके बाद में जो आपकी धारा देखी जाएगी वो कौन सी देखी जाएगी, पश्चिमी पवन प्रवाह देखी जाएगी तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर आपकी कैलिफोर्निया की धारा देखी जाएगी, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसकी है, उत्तरी प्रशांत महासागर है, इनकी जल धाराओं का सही क्रम हो जाएगा, उत्तरी विषुवतीय धारा, क्यूरोसियो की धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह एवं कैलिफोर्निया की धारा, ये इसका सही से क्रम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के, 51 नंबर ये शुरू हो रहा है, ठीक है। भारतीय जनगणना, ये इसको इस वाला जो आपका पेपर है तीसरा क्वेश्चन है सेंसस से रिलेटेड, ठीक है। तो देख लीजिए सेंसस कितनी ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनगणना के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या फिर राज्य क्षेत्र ने बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, कहाँ पे की गई है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, बिहार, गोवा, या फिर जो बिहार है जम्मू कश्मीर है गोवा दिल्ली, या फिर बिहार जम्मू कश्मीर मेघालय मिजोरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन, बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में मेघालय, उसके बाद में मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए, इनकी परसेंटेज दी गई है इनको भी देख लीजिए। भारतीय जनगणना है उसके द्वारा दिए गए जो आंकड़े हैं 2001 से लेकर के 2011 के दौरान राज्य या फिर जो संघराज्य क्षेत्र है उस समूह में बिहार, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर क्या देखी गई है, बहुत ही ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। जबकि जो भारत की सर्वाधिक या फिर न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो देखी गई है कहाँ पे, दादर नगर हवेली में, इसमें 55.88% देखी गई है। नागालैंड में -58%, यानी कि -0.58% वृद्धि कर रहा है ये नागालैंड, आपका न्यूनतम हो जाएगा। अगर जनसंख्या वृद्धि देखी जाए, 5 शीर्ष वाले राज्य हैं तो इनमें आपका पहले नंबर पर हो जाएगा कौन सा, दादर नगर हवेली, जिसमें के 55.88% है। दमन दीप में 53.76% है। पुदुचेरी में 28.08% हो जाएगा। मेघालय में 27.95% हो जाएगा। और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे 26.03% वृद्धि देखी गई है, ठीक है। इनको आप नोट कर लेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलीज है, बेलीज जो प्रवाल रोधिका है किन के बीच में स्थित है? मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, जमैका और होंडुरस के बीच में, मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच में, या फिर मैक्सिको और बहामा के बीच में। जो आपकी बेलीज प्रवाल पाई जाती है वो पाई जाती है किसके किसके बीच में? मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच में ये आपकी रोधिकाएं पाई जाती हैं। देख लीजिए इनकी व्याख्या। बेलीज है प्रवाल रोधिका मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच में पाई जाती है, या ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बाद में दूसरा प्रमुख प्रवाल रीफ है बेलीज। और जो प्रवाल रीफ की आकृति है उसके आधार पर तीन वर्गों में इनको बांटा जाता है, तटीय प्रवाल, अवरोधक प्रवाल एवं वलयाकार प्रवाल। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया था निम्नलिखित में से किसके किन उद्भव और अवस्थिति की व्याख्या करने में सहायता नहीं करता है? पवन तंत्र का प्रमुख होता है ये, और साथ में अधिस्थल एवं भूकंप की यहाँ पे व्याख्या कर देता है। भूकंप और प्रमुख समुद्र अधिस्थल है, समुद्री धारा जलवायु क्षेत्र है, और यहाँ पे भूकंप पर्वत क्षेत्र है भूकंप। तो जो आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये सब किसके प्रवाह जो बात करता है, पर्वत कैसे बना है, समुद्र का तल कैसे बना है, भूकंप कैसे आता है, ये सब किस में बट किया जाता है? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पे जो समुद्री धारा है, जलवायु क्षेत्र है, इसकी ये कोई भी बात नहीं करता है, या फिर इसका कुछ भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ने वाला। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सी ही गलत दिया गया है। ठीक है, इसको आप सही से टिक लगा करके आगे पढ़ेंगे। ये आपको जो मैंने आप लोगों को कराई हुई है एनसीईआरटी बुक है क्लास 7 की, इसको आप देख सकेंगे मेरे वाले चैनल पर, जो आपका कॉम्पिटेटिव क्लास है सत्यम परमार है, इस पर आप जाकर के सभी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। अभी आप लोगों की ज्योग्राफी की ही चल रही है तो उसको भी आप देख सकेंगे, काफी आप लोगों के लिए फायदेमंद किताबें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बारंबारता यानी बंटन है नकारात्मक रूप से एक तरफा मिलती है? नकारात्मक रूप से पूछी गई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नकारात्मक रूप से आपकी डी वाली लाइन हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, तो ये आप डी लगा लेंगे। डी कहाँ पे है आपका, डी डी में ही दिया गया है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन है अपराई पवन से संबंधित नहीं है? बोरा है, मिस्टर है, और जो आपकी सेंटेना है रॉसबियर। रॉसबी वेव जो है वो किससे संबंधित नहीं है, स्थानीय पवन से संबंधित नहीं है, बाकी बोरा, सेंटेना, मिस्टर ये सब कैसी हो जाएंगे आप लोगों की स्थानीय पवन है। रॉसबी जो वेव्स होती है स्थानीय पवन से संबंधित नहीं है, ये किसका विकास करती है, जेट स्ट्रीम की विकास की द्वितीय अवस्था से संबंधित है। और उसके बाद में आपके बोरा, मिस्टल, सेंताना ये सब स्थानीय हवाएं हो जाएंगी। देख लीजिए कुछ हवाएं हैं उनके कुछ स्थान के नाम दिए गए हैं। चिनूक है एक गर्म एवं शुष्क भवन है, ये चलती है उत्तरी अमेरिका में। फोन चलती है यूरोप में। लू चलती है उत्तर भारत में। एक मिनट, तो सभी टिक गलत लग रहे हैं। ठीक है, फोन चलती है यूरोप में, लू चलती है उत्तर भारत में, परगा चलती है रूसी टुंड्रा में, बाईस चलती है फ्रांस में। ठीक है, इनको आप लगा लें। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है ये पूछा गया है। कोसी जो है अनुवर्ती नदी है, और नर्मदा जो है आपकी पंच घाटी की नदी है, सतलज पूर्ववर्ती नदी है, घग्गर अंतर प्रवाही नदी है। तो आपके ये तीनों तो बिल्कुल सही है। नर्मदा कहाँ से बहती है, पंच घाटी से बहती है। सतलज पूर्ववर्ती नदी यानी कि हिमालय पार कर दिया है। घग्गर आपकी अंतर प्रवाही नदी है, ये कहीं ना कहीं जाकर के लुप्त तो हो जाती है, यानी कि ये पृथ्वी के जो आपकी चट्टाने होती है उनके अंदर चलती है। तो आपके बी सी डी सही हो जाएगा। कोसिस में कॉन्सिक्वेंट रिवर कह रहा है तो वही आपका गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए विकल्प में से, अरे यार क्या पढ़ रही हूँ मैं भी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, जो कोसी है ये किसका उदाहरण नहीं है, अनुवर्ती का उदाहरण नहीं है, बाकी के सभी सही दिए गए हैं। और कोसी है, कोसी सहायक नदी है गंगा की, और साथ में इसको कहा जाता है बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के जो मालथस का सिद्धांत है उसका उल्लेख करते हुए
करते समय मालथस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कथन को नहीं माना गया है? नहीं में पूछा गया है, तो भैया पढ़िए सभी ऑप्शन को। खाद्यान्न आपूर्ति में अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि होगी, जबकि जो जनसंख्या है इसका अनुपात बढ़ेगा कैसे? ज्यामिति में। तो ये तो बात उन लोगों ने कही थी, तो ए आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही है। दूसरा ये कह रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ में खाद्यान्न की कमी में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या की मृत्यु दर अधिक हो जाएगी। ये बात भी कही थी मालथस ने कि जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो खाद्यान्न की कमी आएगी, जब खाद्यान्न की कमी आएगी तो क्या होगा, जनसंख्या की मृत्यु होगी। इसको भी कहा हुआ है। आगे कह रहा है ये जो प्रौद्योगिकी है इसका विकास हुआ था जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी, ये बिल्कुल गलत कहा था। ये बात उन्होंने नहीं कही है इन्होंने कि जो प्रौद्योगिकी है प्रौद्योगिकी के विकास के साथ में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी। सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। और साथ में उनका चौथा और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लोग हैं कुपोषण का शिकार होंगे जिसकी परिणत क्या होगी, उच्च मृत्यु दर होगी। ये भी किसने कहा है? मालथस के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, चलिए आपका जो मालथस सी ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि के जो मालथस का सिद्धांत है इसका उल्लेख करते समय मालथस के द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति में अंकगणितीय वृद्धि होगी और जो आपकी जनसंख्या है उसमें ज्यामिति होगी, यानी अंकगणितीय कैसे 1, 2, 3, 4 में चलेगी और जो आपकी ज्यामिति वृद्धि है वो चलेगी 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से चलेगी। ठीक है, और साथ में कह रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ में खाद्यान्न में कमी आएगी जिसके फलस्वरूप जनसंख्या की मृत्यु हो जाएगी, जो कि लोग कुपोषण का शिकार रहे होंगे, क्या हो जाता है बार बार, जिसकी जो परिणत है उच्च मृत्यु दर तथा मृत्यु दर कैसी होगी, हाईएस्ट होगी। और उन्होंने ये नहीं माना था कि जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास होगा तो खाद्यान्न में वृद्धि होगी, ये उन्होंने नहीं माना था। मालथस है इनका जनसंख्या सिद्धांत। इंग्लैंड के निश्चयवादी अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट मालथस ने दिया था 1798 में, अपना लेख दिया था उन्होंने एम एस से द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसमें उन्होंने प्रकाशित किया हुआ था। ठीक है, आगे पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का भूगोल है, भूगोल को 17 खंडों में किसने लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये आपका स्ट्रैबो हो जाएगा, टॉलेमी है, रिटन है, अरस्टू है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बेटू था, बहन का बेटू है, मौसी नहीं कहता है, जीजी कहता है। ठीक है, देखने आया था कौन कौन इसमें बैठा हुआ है, वो समझता है कि आप लोग जो लैपटॉप के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बार बार पूछता है जीजी किसको पढ़ा रही हो, जो आपके बच्चे बैठे हुए हैं लैपटॉप में इनको। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। स्ट्रैबो की जो पुस्तक है 17 खंडों में इन्होंने लिखा हुआ है, ज्योग्राफी नाम से आप लोगों को इनकी पुस्तक देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन है जनसंख्या वृद्धि का सही जनाकी के समीकरण को दर्शाता है? प्राकृतिक वृद्धि और जो निर्भरता अनुपात है, प्राकृतिक वृद्धि और निवल प्रवसन, आगे जो अंतर प्रवसन है और जन्म दर है। जनसंख्या वृद्धि का पूछा गया है और साथ में आपका जो बाह्य प्रवासन है और मृत्यु दर है, तो जो सही समीकरण है उसको दर्शाएगा प्राकृतिक वृद्धि है और जो आपका नेट माइग्रेशन है ये दर्शाएगा उसको, जनसंख्या वृद्धि को। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये लोग उदम बजाने लग गया, वो अभी तक सो रखा था और अब शुरू हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप उसका शोर थोड़ा सुन लीजिएगा, कल तो चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भ्रमिलता भ्रमिलता की प्रक्रिया की पहचान करें, पहचान करनी है इन लोगों को। त्वरण है भ्रमिलता, यानी कि जो घूमना इस तरीके से ये घूमता है, इसकी पहचान करनी है किस किस के कारण में आती है। घर्षणात्मक प्रभाव होता है, खुरदरापन है, घूर्णन है, कोणीय वेग है। तो जो भ्रमिलता आती है वो किस किस के कारण आएगी, रोटेशन होगा और साथ में कोणीय वेग बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, डी एंड ई सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी है जो भ्रमिलता है, इसकी प्रक्रिया में घूर्णन और कोणीय वेग का योगदान होता है।
घर्षण बल का वह बल होता है जो कि वस्तुओं के संपर्क तल पर आने पर कार्य करता है, यानी कि एक न एक वस्तु से टकरानी चाहिए तथा सापेक्ष गति का यहाँ पर विरोध करता है। किसी भी वस्तु का वेग जो होता है समय के साथ में परिवर्तित होता है, उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है क्या? त्वरण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका जनसंख्या अध्ययन है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया है? जो नव माल्थसवासी सिद्धांत है इसमें तर्क दिया गया है कि मानव जनसंख्या में जनन क्षमता आचरण पर प्रौद्योगिकी विकास का प्रभाव होता है। ऑप्शन आगे दिए गए हैं। सही इसमें पूछा गया है जो थॉमस माल्थस थे, एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री और जनसांख्यिकीविद थे। ठीक है, ए और बी आपका सही हो गया। साथ में कह रहा है जो जनसंख्या सहगण है एक विशिष्ट सर्वसामान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह का उल्लेख करता है। ये भी सही हो जाएगा आपका, ए बी सी एंड तीनों सही हो जाएंगे। आगे कह रहा है जो आपका क्रूड बर्थ रेट है, अशोधित जन्म दर है, इससे अभिप्राय होता है जन्म दर में मृत्यु दर में अंतर। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। और जो आपका सेकंड कहा गया है इसमें, जनसंख्या पिरामिड है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की पहचान करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस हैं इनके द्वारा नहीं कहा गया था, आपका डी ई भी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका ए बी सी सी ऑप्शन, इसमें आप सही लगा देंगे। व्याख्या देख लीजिए, जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस हैं एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री रहे थे, साथ में जनसांख्यिकीविद थे। इनका जनसंख्या संबंधी सिद्धांत था जनसंख्या जो वृद्धि है तथा खाद्यान्न आपूर्ति है वृद्धि के मध्य में संबंध की व्याख्या करती है। जो जनसंख्या सहगण है एक विशिष्ट सर्वसामान्य विशेषता है, इसके द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह का उल्लेख करता है तथा जो नव माल्थसवासी सिद्धांत है उसमें तर्क दिया गया था क्या? कि मानव जनसंख्या में जनन क्षमता आचरण और प्रौद्योगिकी का विकास का प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था तथा मिडोज रेंडर्स व बर्हेन्स आदि विद्वानों के द्वारा इसको विकसित भी किया गया था। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा नवमार्क्सवादी में वो सही हो जाएगा, किस सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो नौगम्य नहर है उसको बनाने के लिए कल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी? लूना लियोपर्ड ने, एल फेरेल ने, एल डी टेलर ने एवं सीजे बैरो ने। इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में नौगम में जो नहर बनाने के लिए कल्पना की थी वो एल डी टेलर ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसकी। जो भारत और श्रीलंका नहर है नौगम में नहर बनाने के लिए एल डी टेलर ने यहाँ पे परिकल्पना की थी। भारत के जो प्रमुख नहरें हो जाएंगी, इंदिरा गांधी नहर, बुचिंगम नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर तथा सतलज यमुना जो लिंक नहर है, ये सभी क्या हो जाएंगी? भारत की प्रमुख नहरें हो जाएंगी। तो ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। एक तटस्थ संजा कोशिका है, सेल है, इसके अंतस्थ क्षेत्र के संदर्भ में व्यवस्थित करना है। तरित हिंजा का पूछा गया यहाँ पे, डाउन ड्राफ्ट है, वर्षा है, स्टॉर्म बेबेल है या फिर आपका एनविल ट्रॉप है। तो चलिए इसको सीक्वेंस में लगाना है, अंतस्थ क्षेत्र के संदर्भ में व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं इनको। तो यहाँ पे आपका पहले पे आ जाएगा कौन सा? वर्षा होगी। वर्षा के बाद में आप लोगों क्या होगा? स्टॉर्म ट्रेबल बनेगा। स्टॉर्म ट्रेबल के बाद में यहाँ पे बन जाएगा क्या? डाउन ड्राफ्ट बनेगा, और डाउन ड्राफ्ट के बाद में आपका एनविल टॉप बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी सी ए एन डी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सी ए एन डी, डी ऑप्शन में सही से सम्मिलित हो रहा है। देख लीजिए, तटस्थ संजा का जो कोशिका सेल है उसमें जो सेल बनता है कैसे बनता है? पहले वर्षा होती है, वर्षा के बाद में स्टॉर्म ट्रेबल बनता है, उसके बाद में डाउन ड्राफ्ट बनता है और सबसे एंड में आपका एनविल टॉप बन जाता है। ठीक है, स्टॉलहार्ट है, इनके अनुसार तटस्थ झंझा एक तीव्र स्थानीय झंझावत है जिसमें कि विस्तृत एवं घने कपासी वर्षा मेघ इसमें शामिल होते हैं। नीचे से ऊपर की ओर में प्रबल हवाएं चलती हैं। किसी भी तटस्थ झंझा में विभिन्न जो कोशिकाएं होती हैं अपने विकास के विभिन्न अवस्थाओं में ही हो सकती हैं।
पहली अवस्था में कपासी अवस्था कहा जाता है, दूसरी अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, और जो तीसरी अवस्था होती है उसको मलीन अवस्था कहा जाता है। तीनों ही अवस्थाओं को आप याद रखेंगे। अभी आपको चक्र से पूछा गया है, तो बाद में आप लोगों को अवस्थाओं से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, तो इसमें आप थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें, बहुत ही डीपली करके चलना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो जियो स्टैटिक है, राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक सम जो जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल है, किसके द्वारा इसको प्रतिपादन किया गया था? स्पिटमैन के द्वारा, सॉल कोहेन के द्वारा, जॉन सॉर्ट के द्वारा, या फिर जॉन एनग्यू के द्वारा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सॉल कोहेन के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। व्याख्या देख लीजिए, राजनीतिक भूगोल में जो भू रणनीतिक या फिर जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल है, इसको सॉल कोहेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि सबसे पहले रुडोल्फ जेलिन है, इन्होंने भू राजनीति शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। ये दोनों ही आप याद रखेंगे, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इनसे तो आता ही आता है। विश्लेषण जो किया था कार्ल हाउसोफर ने किया था, भू राजनीति चिंतकों में ऑटो सिमन है, सॉरी ऑटो मॉल है, रुडोल्फ हेस है, इन सब का भी नाम आता है, तो आप इनको भी नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि निम्न में से कौन सा एक शब्द है तरंग के गर्त के सुरंग के बीच की दूरी के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। जो तरंग है, तरंग का गर्त होता है, गड्ढा होता है, उससे सुरंग के बीच की दूरी के लिए कौन सा होता है? तरंग रथ, तरंग बेब, तरंग की ऊंचाई, या फिर तरंग की अवधि? तो यहाँ पे ये बात कर रहा है, जो तरंग, एक तरंग उठी, दूसरी उठी, फिर ये वापस लौटी आई, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तरंग की ऊंचाई, यहाँ पे सही शब्द हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए, तरंग की ऊंचाई शब्द जो तरंग के शीर्ष के बीच की दूरी से इसके लिए प्रयोग किया जाता है, दो शीर्षों के बीच या फिर दो गड्ढों के बीच की दूरी यानी क्षैतिज दूरी को लहर की लंबाई कहते हैं, लहर के आगे बढ़ने की जो गति होती है उसको वेग कहा जाता है, जो क्रमबद्ध शीर्ष होते हैं, गर्त होते हैं, उनसे गुजरने के समय को कहा जाता है क्या? लहर अवधि कहा जाता है, तो ये भी आप टर्म्स को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो वैश्विक व्यापार है इसकी मात्रा, प्रकृति और दिशा निम्नलिखित में से प्रभावित होती है, किसके कारण? आर्थिक प्रगति के कारण, तुलनात्मक और स्थानीय लाभ के कारण, या फिर जो आपका आगे दिया गया है, ऐतिहासिक कारक और निवेश के कारण, वैश्विक बाजार में परिवर्तन के कारण, या फिर भौगोलिक दूरी के कारण? तो जो आपका क्वेश्चन किया था, मैं तो क्वेश्चन भूल गई यार, वैश्विक व्यापार की मात्रा और प्रकृति में दिशा निम्नलिखित किस किस से प्रभावित होती है? ये प्रभावित होती है आप लोगों के, यहाँ पे क्या होगा, आर्थिक प्रगति का यहाँ पे अभी ऐसा कोई भी अच्छा रोल नहीं है, कोई मेन रोल नहीं है। तुलनात्मक और स्थानीय लाभ, यानी कि अपन लोग कितना उसमें लगा रहे हैं, कितना अपन लोगों को वहां से मिल रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट कितना दे रहे हैं और कितना अपन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, ये सबसे पहले इसको देखा जाएगा। साथ में जो आपका ऐतिहासिक कारक और निवेश है, ये भी इसमें देखा जाएगा। वैश्विक बाजार में परिवर्तन जो होता रहता है, ये भी इसमें देखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी सी सॉरी, वैश्विक बाजार में परिवर्तन अभी इससे कोई मतलब नहीं है। साथ में आपका जो हो जाएगा, ज्योग्राफिकल दूरी यानी भौगोलिक दूरी है, ये आपका सही हो जाएगा। बी सी और ई, इन सभी को आप देखेंगे, वैश्विक व्यापार की मात्रा में, प्रकृति और दिशा में, तुलनात्मक स्थानीय लाभ, ऐतिहासिक कारक और निवेश, साथ में भौगोलिक दूरी, ये सभी प्रभावित करती है वैश्विक व्यापार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा के प्रकार दिए गए हैं, उनमें पाई जाने वाली जगह दी गई है, लेटराइट है, लवण है, काली मिट्टी है, और जो लाल दोमट मिट्टी है, कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? चलिए पढ़िए, जो लेटराइट मृदा क्षेत्र है आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये चले जाइए आप कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र कहाँ के हो जाएंगे? जो राजमहल है इनके पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे आप, तो वहां पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी? लेटराइट मृदा देखने को मिलेगी। साथ में आपकी जो लवणीय सॉयल है, यानी कि जो सलाइन सॉयल होती है, जो सलाइन सॉयल है, ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? कक्ष का जो क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को सलाइन सॉयल मिलेगी। ब्लैक सॉयल जो काली मिट्टी है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? आप चले जाएंगे कब कहाँ पे, जो आपका दक्कन का पठार है, जो प्लेट्यू है, वहां पे देखने को चले जाएंगे। महाराष्ट्र का जो मैदान है, यहाँ पे आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी।
लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलेगी, जो आपका रोर क्षेत्र है, रोर प्लेन है, राग का मैदान है, यहाँ पे आप लोगों को लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ए का यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, बी का यहाँ पर फोर्थ दे रहे हैं अपन लोग, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। रोको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एफ रेडजेल के द्वारा, गिफ्फे टेलर के द्वारा, एफ वी ए बी हम्बोल्ट के द्वारा, जीन ब्लूम्स के द्वारा। तो जो आपका रुको और जाओ निश्चयवाद दिया गया था, ये अवधारणा दी गई थी, ये गिफिट टेलर के द्वारा दी गई थी। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, जो रुको और जाओ निश्चयवाद है गिफिट टेलर के द्वारा, इसको प्रतिपादित किया गया था। नियतिवाद या फिर पर्यावरण नियतिवाद की संशोधित भौगोलिक विचारधारा है। इसको नव नियतिवाद या फिर नव निश्चयवाद, नव पर्यावरणवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद आदि नामों से इसको जाना जाता है। कई सारे नाम है, कोई एक ही नाम आप सोच करके नहीं बैठेंगे। आगे कह रहा है कि जो जॉर्ज टेथम है, इनके अनुसार वे अपेक्षाकृत संयमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव और प्रभाव के स्थान पर प्रतिक्रिया या फिर समायोजन का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। एफ वी हम्बोल्ट है, इन्होंने इनको कहा जाता है आधुनिक भूगोल का जनक। ठीक है, इनकी पहल जो प्रसिद्ध रचना है कॉस्मोस है। जीन ब्लूम्स जो है एक मानव भूगोल वेत्ता है, और इनकी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी ज्योग्राफी ह्यूमेन, ये किसकी हो जाएगी? जीन ब्लूम्स की हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के दोआब क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्यास और सतलज के बीच में बारी द्वार मिलता है, जो आपका ब्यास और रावी के बीच में बोल रहा है ये कि रावी और झेलम, एक मिनट एक मिनट, ब्यास और रावी के बीच में बारी द्वार मिलता है, तो आपका यहाँ पे बिष्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो जालंधर दिया गया ना, हाँ तो ये आपका सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा। रावी और झेलम के बीच में कह रहा है कि सिंध दोआब मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो ब्यास और रावी के बीच में चाच मिलेगा, चाच कैसे हो जाएगा जब ऊपर बारी दे रहा है, तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए और कौन कौन से दोआब मिलते हैं इसमें। रचना दोआब है जो कि रावी और चनाब के बीच में मिलता है, चाच दोआब है जो कि चनाब और झेलम के बीच में मिलता है, सिंध सागर दोआब मिलेगा आप लोगों को झेलम चनाब और सिंधु के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी थोड़ी सी कम हो चुकी है, पढ़िए क्वेश्चन, पानी पी लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन है सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं होती है? कौन हो जाएगा यहाँ पे सांस्कृतिक परिवर्तन? ठीक है, ये टर्म्स आप देख लीजिएगा, मेन मेन जो टर्म्स होते हैं उनको देख करके चलेंगे तो क्वेश्चन अपन लोगों को सॉल्व करना क्या हो जाता है, इजी बन जाता है। यहाँ पे उत्संस्करण होता है, विसरण होता है, फैलाव किसके कारण होता है? जब संस्कृति परिवर्तन होता है तो वो फैलेगा भी, अभिनवता होती है, इनोवेशन, नए नए विचार भी उभरते हैं सब लोगों के अपनी अपनी, जब कई सारे संस्कृति के लोग आकर रहेंगे तो उन अपने अपने विचारों को प्रकट करेंगे, तो क्या होता है, विचारों का फैलना होता है। पृथक्करण इसमें कह रहा है अलगाव नहीं होता है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये संस्कृति परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है? जलप्रपात ऊपर दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए। पहला आपका मंदार दिया गया है, हिरान दिया गया है, तबा दिया गया, दर्दी दिया गया है, एवं सहस्त्रधारा जलप्रपात दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मंदार जलप्रपात है आपको देखने को मिलेगा, किस पर? नर्मदा नदी पर। दूसरा इसमें दिया गया है जो आपका दर्दी जलप्रपात है, ये भी कहाँ पे मिलेगा? दर्दी रब रब करती, ये वाला नहीं, ये जलप्रपात अलग है, डी हो जाएगा। डी के बाद में आपका सैर धारा जलप्रपात है, ये भी कहाँ पर देखने को मिलेगा? नर्मदा नदी पर। ठीक है, ए डी एंड ई सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए, मंदार है, धरती है, सैर धारा है, ये जलप्रपात आपको नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, कपिल धारा प्रपात जो मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला है वहां से नर्मदा नदी पर अव्यवस्थित एक जलप्रपात है। भारत के प्रमुख जलप्रपात देख लीजिए,
है शिमोगा कर्नाटक में, नौकली कला नौकली काई है ये आपका मेघालय में है, और जो महात्मा गांधी या फिर जोग है ये जलप्रपात है ये आपका शरावती नदी कर्नाटक पर मिलता है। ठीक है, इनको भी आप देख करके चलेंगे। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसने मेंटर महल के थांडा को गोल्डन पैराडाइम लिंच है, हम्बोल्ट रिटन है, पास्कल है, सैमुअल हटिंगटन है, बोल्डिंग है, हेगस्टन है। तो जो आपका मेंटल मैप है इसकी अवधारणा दी गई थी गोल्ड बायटेर लिंच के द्वारा, तीनों का नाम एक साथ देखने को मिलता है, तो इसको आप देख करके चलेंगे। आगे बढ़िए, व्याख्या देख लीजिए। गोल्ड है, बाइट है, लिंच है, इन्होंने मेंटल मैप की अवधारणा दी थी। 1960 के दशक में व्यवहार परक भूगोल में मानसिक मानचित्र है मेंटल मैप का अध्ययन किया था। इस विषय पर डाउन्स एवं स्टी ने 1973 और 77 में, और गोल्ड बायटिम इनकी रचनाओं को विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया। एलवर्स हटिंगटन ने एवं एलन जर्ज सैंपल है, हम्बोल्ट है, रिटर्न है, ये सब कैसे थे, नियतिवादी विचार रख रहे थे जो कि प्रकृति को अधिक महत्वपूर्ण शक्ति मानते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सैन एंड्रियास ब्रंस है, किसका उदाहरण है यहाँ पे, जो सैन एंड्रियास ब्रंस मिलता है आप लोगों को, ट्रांसफॉर्म भ्रंश का उदाहरण देखने को मिलता है। ट्रांसफॉर्म भ्रंश कैसा होता है, एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, कुछ नहीं करती, सिर्फ एक दूसरे से टकराती हुई, घर्षण करती हुई चल रही है। ये बनता है किसके कारण, ये बनता है ट्रांसफॉर्म, या फिर इसको कहा जाता है संरक्षित प्लेट किनारे, इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीआईएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। चलिए ऑप्शन उनके नीचे दिए गए हैं। इनका कार्य क्या होता है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के संगत प्ररूप में एकीकृत किया जाता है, या फिर क्या, यदि यानी कि व्हाट एंड इफ प्रदर्शनों के स्पष्ट में इनको देखा जाता है, या फिर वेक्टर डेटाबेस जो होते हैं ग्रिड सेल्स के मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए मानचित्र आंकड़ों को स्टोर किया जाता है, या फिर आपका जो एट्रीब्यूट डेटा है विशेषताओं का वर्णनात्मक आंकड़े होते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका नहीं में पूछा गया है ना, हाँ नहीं में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वेक्टर डेटाबेस है इनको ग्रिड सेल्स में, और मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए मानचित्र आंकड़ों का यहाँ में स्टोर किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, जीआईएस में ये नहीं होता है। बाकी के आपके ए बी डी तीनों सही हो जाएंगे। व्याख्या देख लीजिए इसकी, क्लार्क के अनुसार जो भौगोलिक सूचना तंत्र प्रणाली है उसमें संगठन के स्थानिक आंकड़ों के प्राप्त भंडारण विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण का कंप्यूटर आधारित तंत्र इसमें होता है। इस प्रकार जो जीआईएस होती है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को संगत प्रारूप में एकीकृत किया जाता है, क्या, यदि यानी कि व्हाट एंड इफ इनका यहाँ पे आंसर दिया जाता है। एट्रीब्यूट जो डेटा होते हैं उनकी विशेषताओं के वर्णनात्मक आंकड़े होते हैं यहाँ पे। भौगोलिक सूचना तत्व, इनके चार तत्व होते हैं, तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, कंप्यूटर होता है हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लैबवेयर एवं आंकड़ा वेयर। ठीक है, ये आपके जीआईएस से संबंधित हो चुके हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इसमें कह रहा है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोलवेत्ताओं का जर्मन यानी कि सभ्यता स्कूल का सही कालक्रम पूछा गया है, पढ़िए इसमें। एफ विद इचथोफेन है, और रेडचेल दिए गए, हेटनर दिए गए, ऑस्कर पेस्टल दिए गए। तो ठीक है, इचथोफेन आपके जर्मनी से नहीं है, रेड जेल है, ऑस्कर पेस्टर, एफ वी रिस्टोफेन, एफ वी हेटनर है। यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का दिया गया है अल्फ्रेड हेटनर, ऑस्कर पेस्टर, एफ वी रिस्टोफेन एंड रेड जेल है साथ में आपका। पहले यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑस्कर पेस्टर, ऑस्कर पेस्टर के बाद में रिस्टोफेन आएंगे, रिस्टोफेन के बाद में रेड जेल है, रेड जेल के बाद में हेटनर हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं, हाँ डी ही आपका सही होगा। जर्मन स्कूल संप्रदाय से देखेंगे तो आपका ऑस्कर पेस्टर, एफ वी रिस्टोफेन, और जो आपके रेड जेल हो जाएंगे, और साथ में अल्फ्रेड हेटनर हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन है, चार चरणों की जनसांख्यिकी के संक्रमण सिद्धांत में, अभी आप बाहर जाओ बिल्कुल। ठीक है, जो चार चरण है, चार चरणों की जनसांख्यिकी
संक्रमण सिद्धांत में वह चरण जिसमें कि जन्म दर लगातार अधिक रहता है लेकिन मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर क्या होता है, जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर बहुत कम, यानी कि मृत्यु दर भी बहुत कम है, ठीक है। स्टेज 4 में है, स्टेज 1 में है, स्टेज 3 में, या फिर स्टेज 4 में, सेकंड में है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए 4 और 5 अवस्था है, उनको देख लीजिए। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल है, W.S. थॉमसन ने दिया था 1929 में, और 1945 में फ्रैंक W. नोटेस्टिन के द्वारा इनको संशोधित किया गया था। जबकि जो नोटेस्टिन ने इन्होंने नोटेस्टिन ने 3 तथा कुछ अन्य विद्वानों ने 5 अवस्था सुझाई है। देख लीजिए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। अवस्था पहली आएगी, इसमें उच्च जन्म दर होगा और जो मृत्यु दर होगी वो भी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। दूसरी में जन्म दर इसमें स्थिर हो जाएगा परंतु मृत्यु दर क्या होगी, कम होने लगेगी। तीसरे में जन्म दर घटने लगेगी। चौथे में कम जन्म दर होगी तथा मृत्यु दर भी कम होगी। और पांचवे में क्या हो जाएगा, जनसंख्या का ह्रास होने लगेगा, जो कि अभी अपन लोग देख रहे हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है उनमें यही वाली कंडीशन चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच में संबंध होता है, इसकी अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था, फ्रेडमैन ने, एंड जो डिकिंसन है इन्होंने, या फिर आपके लिंस्की है, या फिर ल्यूटेन है, किसने इसकी अवधारणा दी थी, बताइए आप लोग। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इन्होंने स्थानीय संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच में संबंध होता है ये कहा था जॉन फ्रीडमैन ने, ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसमें, फ्रॉडमैन जो फ्रॉड नहीं फ्रीडमैन, ठीक है, जॉन फ्रीडमैन है, इन्होंने स्थानीय संगठन एवं राष्ट्रीय विकास के बीच में संबंध होता है ये अवधारणा दी थी। टाफे है, टाफे ने 1970 में बताया कि आज का भूगोल यानी कि जो मानव समाज है इसके स्थानीय संगठन का अध्ययन है जो कि प्रतिरूप एवं प्रक्रम में व्यक्त होता है। अमेडियो गोलेज ने अपनी पुस्तक लिखी थी साइंटिफिक रीजनिंग इन ज्योग्राफी, 1975 में इन्होंने बताया था कि भूगोल केवल स्थानिक विविधताओं के कारण को नहीं बताता है बल्कि इस प्रकार पृथ्वी की जो सतह यानी क्षेत्र है उसके प्रादेशिक अध्ययन से भूगोल स्थान में विविधताओं के संगठन का एक विज्ञान भी बन रहा है, ठीक है। बाकी आप सिर्फ इनका याद रखेंगे, इनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आप इतना ज्यादा इन पर फोर्स नहीं करेंगे। निम्नलिखित राज्यों में जनजातीय जनसंख्या 2011 के परसेंटेज के आधार पर आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, सेंसस से रिलेटेड आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, जनजाति जनसंख्या का पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जनजाति में आ जाएगा आप लोगों का महाराष्ट्र, आरोही क्रम में पूछा गया है, कम से ज्यादा में जाना है, ठीक है, कम से ज्यादा में जाएंगे। देखो फिर से आ गया, ये मान नहीं रहा है, ठीक है। बी पहले आ जाएगा आप लोगों का महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में, सॉरी यहाँ पे नंबर डालते चलो, महाराष्ट्र के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद में आ जाएगा कौन सा, राजस्थान के बाद में आप लोगों का मध्य प्रदेश आ जाएगा, और मध्य प्रदेश के बाद में मेघालय आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, B.C.A.D. ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो जनजाति जनसंख्या है, ST ट्राइब्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, 2011 के परसेंटेज के आधार पर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, 550 जनजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। 1951 में उनकी जनसंख्या जो थी 2.25 करोड़ थी, 2011 में उनकी बढ़कर के कितनी हो गई, 10.43 करोड़ हो चुकी है। शीर्ष 5 पूछे जाए तो आप बता देंगे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, सॉरी यहाँ पे आपका एक के बाद में 3, ये उल्टा कर देती हूँ मैं, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र है, उसके बाद में उड़ीसा है, राजस्थान है, उसके बाद में आप लोगों का गुजरात हो जाएगा। ये जनसंख्या वाले हो जाएंगे, परसेंटेज में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। चलिए थोड़े से और रह गए हैं, थोड़ा सा आप धैर्य बना करके और बैठिए। जनसंख्या प्रवर्तन, पॉपुलेशन माइग्रेशन क्या होता है, इनको देख लीजिए।
जनसंख्या प्रवसन में खिंचाव कारक गंतव्य स्थानों पर जीविका के अवसरों की उपलब्धता के बारे में बताते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है, तभी हम लोग प्रवास करेंगे। ठीक है, आगे जो कहना है ये कि जो चरणबद्ध प्रवसन गंतव्य स्थानों पर जीविका के अवसरों की चरणवार उपलब्धता के बताते हैं। यहाँ पर कोई भी स्टेज नहीं होती है, स्टेप्स नहीं होते हैं। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है ये कि जो पुश फैक्टर होते हैं, जहां से धकेले जाते हैं लोग, जनसंख्या प्रवसन में दबाव कारक मूल स्थान पर जीविका के अवसरों की कमी या फिर सीमित उपलब्धता के बारे में बताते हैं। बिल्कुल, क्यों वो लोग वहां से चले गए? क्योंकि वहां पर उन चीजों की कमी है, संसाधन पूरे नहीं है, इसके कारण वो क्या चले गए, उस जगह से ये चले गए। ठीक है, ये चले गए हैं, तो आपका ए एंड सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए, जो जनसंख्या है, जनसंख्या के प्रवासन में खिंचाव और गंतव्य स्थानों पर जीविका के अवसरों के बारे में उपलब्धता होती है, तथा प्रवसन में दबाव के कारण होता है कि वहां पे जो संसाधन है, अवसर है, उनकी कमी है, सीमित संसाधन है, भौतिक कारण, और जो किस कारण से उनका प्रवास होता है वो कारक देख लीजिए। भौतिक कारक होता है, आर्थिक कारक होता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी देखने को मिलता है, राजनीतिक कारक और जनसांख्यिकी कारक, ये सभी देखने को यहाँ के किसके कारण वो प्रवास होता है, ये सब कारण इसमें संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाह्य सतह है, इसके 1 वर्ग सेंटीमीटर पर समतल पर जो प्रति मिनट जो सौर विकिरण प्राप्त होता है उसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है अपना सोलर कांस्टेंट, या फिर सौर स्थिरांक किसको कहा जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, सूर्य के धरातल के प्रत्येक वर्ग इंच से विकीर्ण ऊर्जा 1 लाख अवशक्ति जो अश्व शक्ति होती है उसके बराबर होती है, तथा सूर्य की बाह्य सतह यानी कि फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा होती है प्राय स्थिर रहती है। इस तरह पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है प्राय स्थिर रहती है, इसी को कहा जाता है क्या? सौर स्थिरांक कहा जाता है। इस तरह जो सौर स्थिरांक होता है सूर्य के विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है, जो कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर या फिर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी या फिर जो लेंजली है इसके बराबर होता है। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण है उनके जीतने भाग वापस यानी परावर्तन हो जाता है, उसको कहा जाता है क्या? एल्बिडो या फिर पृथ्वी परावर्तन इसको कहा जाता है, यानी कि जो भी उस सूर्य से ऊर्जा अपन लोगों को प्राप्त होती है पृथ्वी पर, कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ उसको वापस कर लेती है, जो वापस करती है उसको कहा जाता है क्या? एल्बिडो या फिर परावर्तन उसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन से जल राशि में न्यून लवणता पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है? बहुत कम लवणता, ग्रेट साल्ट लेक में, मृत सागर में, बौन झील में, या फिर काराबुरास की खाड़ी में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गल्फ ऑफ काराबुरास है, यहाँ पे सबसे जो लवणता है इनके मुकाबले कम पाई जाती है। ठीक है, देख लीजिए इनकी लवणता है बौन, अगर ग्रेट साल्ट लेक में जाएंगे, ये कहाँ पे मिलती है आप लोगों को? संयुक्त राज्य अमेरिका की है, 220 ppm लवणता पाई जाती है। मृत सागर में 238 ppm पाई जाती है। टर्की की जो बोन झील है सबसे ज्यादा 330 ppm लवणता यहाँ पे पाई जाती है। और अगर महासागरों की औसत लवणता देखी जाए तो वो कितनी पाई जाती है? 35 ppm। भूमध्य रेखा पर जो लवणता की मात्रा है 34 ppm रहती है, कारण उसका ये है कि जो वहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, जिसके कारण के बाष्पीकरण और वर्षा दोनों ही हाई रहती है। उच्चतम नगर लवणता देखी जाए आप लोगों की, तो वो 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है, जहां पर जो लवणता होती है वो कितनी होती है? 36 ppm रहती है औसत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। मौसम विज्ञान संबंधी प्रथम उपग्रह कौन सा रहा था? TRMM, टेरोस फर्स्ट, मिडोस या मोडिस, या फिर जो आपका नोआ है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कौन सा? टेरोस फर्स्ट है, जो कि मौसम विज्ञान संबंधी पहला उपग्रह रहा था। देख लीजिए इसके और भी, मौसम विज्ञान संबंधी पहला उपग्रह हो गया टेरोस फर्स्ट हो जाएगा, या फिर TIRS फर्स्ट हो गया, जो कि पहला प्रायोगिक कदम था। चूंकि जो उपग्रह उपग्रह होता है एक नई तकनीक था, इसलिए टेरोस टेलीविजन एंड
इंफ्रारेड ऑपरेशन सैटेलाइट इसका कंप्लीट नेम रहा था। इस कार्यक्रम ने अंतरिक्ष यान के लिए विभिन्न डिजाइन मुद्दों को भी परीक्षण किया हुआ, जैसे कि उपकरण, डेटा और परिचालन पैरामीटर तथा टेरोस्फर्स्ट है। कार्यक्रम की पहली प्राथमिकता जो थी मौसम संबंधी उपग्रह सूचना प्रणाली का विकास रहा था। यहाँ पे नोवा है, नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, नियामक एजेंसी है जो कि मौसम की भविष्यवाणी करती है। ठीक है, ये आप नोवा के बारे में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया है आप सूची एक को सूची दो के साथ में सम्मिलित करना है। ये कुछ विद्वान हैं और उनके किससे संबंधित थे, फिलोसॉफी से, इनको देख लीजिए। गिब्सन थे, गुइल के हैं, पीट हैं, राइट एवं किर्क हैं। तो जो गिब्सन संबंधित हैं वो किससे हैं, यथार्थवाद से, रियलिज्म से। गुइल के संबंधित हैं आप लोगों के आदर्शवाद से, आइडियलिज्म से। पीट संबंधित हैं आप लोगों के अतिवाद से या फिर रेडिकलिज्म से। है जो राइट एवं किर्क है वो हो जाएंगे आप लोगों के व्यवहार से या फिर बिहेवियरिज्म से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ए का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ है और डी का सेट थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही से टिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं पूछे गए हैं। देखिए, इसके चलते क्या होता है कि व्यापार जो पेटी होती है विभिन्न प्रकार के संसाधन का प्रवेश हुआ है। बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा ए ऑप्शन। दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, विश्व के जो विभिन्न भाग हैं उसमें उत्पादित भांति भांति के उत्पादों को वैश्विक बाजार में वितरित करने में इससे सहायता मिलती है। ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा इसमें कह रहा है कि जो समग्र उत्पादन होता है लागतों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम कर देता है। ये भी सही कह रहा है। यहाँ पे ए बी सी तीनों तो सही हो गए। साथ में आगे कह रहा है आप लोगों का कि जो इससे विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों को अधिक सहायता मिलती है। नहीं, इसमें जो सहायता मिलती है वो किसको मिलती है, विकसित देशों को ज्यादा मिलती है। आगे इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो उपभोक्ताओं को उतनी ही आय में अधिक वस्तुएं खरीदने में सहायता मिली, इनको क्या कहते हैं, जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ऐसा नहीं है। इसमें डी और ई गलत हो जाएंगे, ए बी सी तीनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे आज तो कुछ ज्यादा ही शोर हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, इतना आप शोर में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से भौगोलिक विचारों के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम पूछा गया है। पहले कौन आए थे, उसके बाद में कौन, तो पहले ग्रीक दिया गया है, दूसरा रोमन, फिर अरब, फिर उसके बाद में अंधकार युग आया था। ठीक है, ये आपका गलत हो गया कि जो अरब आए थे वो अंधकार युग के बाद में आए थे, पहला गलत हो गया। दूसरा हो जाएगा ग्रीक, रोमन, अंधकार युग एवं अरब आए थे उसके बाद में। एक मिनट एक मिनट एक। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ग्रीक है, ग्रीक के बाद में रोमन्स है, रोमन्स के बाद में अरब है, अरब के बाद में यहाँ पे अंधकार युग होगा। यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे ए दिया गया है। एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप ए लगा करके चलिए और मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करके बता दूँ। ठीक है, क्योंकि जो अंधकार युग आया हुआ था वो रोमन के बाद में आया है, ना कि अरब के बाद में। ठीक है, चलिए आप आगे देखिए, इसको आप डाउट में रख दीजिए और कल याद दिला दीजिए कमेंट में थोड़ा सा कि एक क्वेश्चन 85 नंबर है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परमा फर्स्ट शब्द का रचना किया हुआ है। रिटर ने, हम्बोल्ट ने, अगासीज ने एवं रामसे ने। तो ये जो आपका परमा फर्स्ट शब्द है ये दिया हुआ है हम्बोल्ट महोदय ने। ठीक है,
हम्बोल्ट ने जो लैटिन में भूगोल के लिए जियोग्राफिया जियोग्राफिया नहीं जियोग्राफिया दिया है शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, जिसे जर्मन में अर्धकुंडे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। जो रिटर है बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर रहे थे, इन्होंने अर्धकुंडे दिया हुआ है। और साथ में लुइस अगासीज है, फ्लोरिडा जो फ्लोरिडा द्वीप है इसकी विधिवत इन्होंने अध्ययन किया। इनका प्रमुख कार्य था फ्लोरिडा सैन फ्रांसिस्को तथा दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के तटों का अध्ययन से संबंधित इनके कारण रहे थे। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए आपसे हम बहुत सॉरी बोलते हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत ही शोर सहन करना पड़ा है। ठीक है, निम्नलिखित तो वनस्पतियों के स्तर को उनके ऊंचाइयों के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है। आपके जो लेयर्स बन पेड़ लगता है, पेड़ के सभी स्तर के पूछा गया है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आएगा आप लोगों को क्या, ग्राउंड लेयर, वो इस तरह आएगा डी फर्स्ट, दोनों में दिया गया है। इनको काट देंगे, इसको भी काट देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आपका ग्राउंड लेयर के बाद में आ जाएगा आप लोगों को क्या, शाकिया स्तर, हर्वेकस लेयर आ जाएगा। और उसके बाद में आपका आएगा कौन सा, डी के बाद में बी हो जाएगा, उसके बाद में कोडोमिनेंट लेयर, उसके बाद में आपका डोमिनेंट लेयर। ठीक है, तो डी बी सी ए, यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित को भूमध्य रेखा तथा उनके क्रम में व्यवस्थित करना है, तो चलिए इनको कर लीजिए। उनके क्रम में कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ये, इसका ये हो गया था ना डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, डी हो गया था। चलिए 88 नंबर है, निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा और उनके स्थानिक क्रमों में व्यवस्थित करना है, तो चलिए कर लेते हैं भूमध्य रेखा से क्रमों में। सबसे पहले आप लोगों को देखने मिलेगा क्या, एक बार सॉरी, वेरी सॉरी, मैं भी डिस्टर्ब कर रही हूँ आज तो आप लोगों को। पहले आप लोगों को मिलेगा डोलड्रम, डोलड्रम के बाद में आ जाएगा कौन सा, उत्तर पूर्व व्यापारिक भवन है, और उसके बाद में आएगा कौन सा, अश्वच्छांश, अश्वच्छांश के बाद में आपके पशुओं पवन है। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ए बी एंड डी। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए कुछ भारत में प्राकृतिक आपदाएं आई हुई हैं, इनसे प्रभावित लोगों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन से साल में जनसंख्या की मृत्यु हुई थी, जन धन की हानि हुई थी, और सबसे कम कब हुई थी। तो ठीक है, इसको लगा लीजिए 1988, 89, 85, 91 और 94 दिया गया है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जनहानि हुई थी वो 1989 में, उसके बाद में आप लोगों का हो जाएगा 88 बी, सॉरी बी, उसके बाद में हो जाएगा आप लोगों का ए, ए के बाद में आपका आएगा ई, ई के बाद में आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 1991 डी, और डी के बाद में सी। ठीक है, चलिए इसके जो सही ऑप्शन है इसको बी डी, बी ए ई डी सी। ठीक है, बी ए ई डी और सी, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक मिनट डिलीट कर देते हैं। दो कथन दिए गए हैं, असंरचित का यह सवाल है, इसको भी कर लीजिए। समुद्र की अधिक गहराई पर पानी अत्यंत धीमी गति से बहता है और समान तापमान बनाए रखता है। आगे कह रहा है कि जो समुद्री सतह होती है उस थोड़ा पानी को निचले वायुमंडल की तरफ लौटा देती है, इसका यह कारण इसमें पूछ रहा है। तो जो समुद्र की सतह होती है गहराई पर, ये बात कर रहा है किसकी, गहराई पर, गहराई पर जो पानी की गति होती है कैसी होती है, बहुत ही धीमी होती है और समान निम्न तापमान बनाए रखता है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि जो समुद्री सतह होती है, ऊपर वाले लेवल की बात कर रहा है, ऊष्मा और पानी को क्या करती है, निचले वायुमंडल की तरफ में वापस कर देती है। ये भी सही कह रहा है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन दोनों ही क्या है, विपरीत है, एक दूसरे की कैसे भी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका
ए और आर दोनों सही हो जाएगा, व्याख्या इनकी नहीं होगी, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब आ गए आपके 91 से लेकर के 95 तक कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व आप लोग क्या, हम ही करेंगे, चलिए इनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ये देखिए, कुछ आपके जो क्वेश्चंस आए थे 2-3 साल में, इनमें आपके जो ये आपके कैलकुलेशन वाली सीरीज देखी गई थी, तो इनको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका इस सीरीज से कोई भी मतलब नहीं होता आप लोगों को, ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए जानकारी के लिए एक लेवल के लिए बनाई जाती है, इससे मतलब होता है, इससे मतलब होता है। चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्र का औसत तापमान यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, औसत तापमान यहाँ पे अपन लोगों को पूछा गया है इस क्षेत्र का पूरे का। औसत तापमान बाहर निकालने के लिए अपन लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा होगा ये अपन का, ठीक है, पहले तो कौन सी सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज चल रही है आप लोगों की, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे लिखते हैं आप लोगों को, देखिए थोड़ा सा, एक मिनट, कोई खाली जगह है ही नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए एक्स इजिकल टू, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आप लोगों को फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आप लोगों की एफ हो जाएगी, और अपन लोगों को क्या करना है, एक्स यहाँ पे निकालना है। एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स निकालने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा, इसको ऐड करेंगे अपॉन में इसका टू कर देंगे, इसको ऐड करेंगे अपॉन में इसका टू कर देंगे, इसको ऐड करेंगे अपॉन में इसका टू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन हम बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पांच पांच के बाद में, अरे यार, पांच पांच के बाद में 15, एक मिनट, ठीक है, ये आप 15 15 के बाद में यहाँ पे आ जाएगा 20 + 30 इजिकल टू 50, 50/2 इजिकल टू 25 हो जाएगा, ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में करते जाइएगा, मेरे पे थोड़ा सा ये पेन ठीक नहीं चल रहा है। 15 से 25 के बाद में आपका 35, 35 के बाद में आपका 45, 45 के बाद में 55, 55 के बाद में 65 आ जाएगा, 65 के बाद में आप लोगों का 75, उसके बाद में 85 सबसे एंड में आ जाएगा। फिर अपन लोगों को करना क्या है, जो अभी अपन लोगों ने ये निकल गया अपना क्या, एक्स निकल आया, ठीक है, एक्स निकलेगा तो अपन लोग को करना है इसका एड, एफ इंटू एक्स करना है। जब आप एफ इंटू एक्स करेंगे तो ये जो 5 × 1 इजिकल टू आपका हो जाएगा क्या, 5, इसी तरीके से आप 15 × 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 25 × 3 करेंगे तो 75 हो जाएगा, इन सभी को जब आप एफ इंटू एक्स टोटल कर लेंगे तो टोटल में आपका कितना आएगा, 1125 आएगा, ठीक है। ये मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, क्यों किया है, क्योंकि ज्यादा टाइम ना लगे, पेपर बहुत लेंदी हो जाएगा अगर इसको कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करती तो, ठीक है, कैलकुलेशन करती तो यहाँ पे 1125 / फ्रीक्वेंसीज कितनी है इसकी, टोटल संख्या, टोटल संख्या जो हो जाएगी इसकी, टोटल हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, टोटल 25 है, ठीक है, तो यहाँ पे 25 का डिवाइड करेंगे इससे, 1125 में जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो जो आपकी संख्या आ जाएगी कितनी आएगी, 45 डिग्री यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका औसत या फिर एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि इसमें काफी घुमा के दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उपरोक्त आंकड़े हैं उनकी यहाँ पे अपन लोगों से क्या पूछी गई है, माध्यिका पूछी गई है, ठीक है। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका के लिए फॉर्मूला होता है, छोड़िए इसको, इस वाले को इतना घुमाएगा ये, यहाँ पे अपन लोग फॉर्मूला लिखेंगे एम इजिकल टू एल प्लस आई अपॉन एफ और एफ में से एम माइनस सी, ठीक है, ये अपना हो जाएगा क्या, फॉर्मूला हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं अपन लोग कैसे, इनको ऐड करते जाते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज है इसमें ऐड करते जाते हैं, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे,
छह और चार 10 हो जाएंगे, 10 और 5 15 हो जाएंगे, 15 और चार 19 हो जाएंगे, 19 और 3 22 हो जाएंगे, 22 और 2 24 हो जाएंगे, और 24 और 1 25 हो जाएंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है इसने, माध्य का पूछी है। ठीक है, माध्य का पूछी है, तो अब इसमें अपना जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि अपन लोग क्यूमुलेटिव में डिवाइड करेंगे 25 से 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12.5 आ जाएगी। अब अपन लोगों ने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 12 किसके बीच में आ रहा है ये देखना है। ठीक है, एक और दो 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। तो जो 12 आएगा वो किसके बीच में आएगा, 40 और 50 के बीच में 12 आएगा। ठीक है, जो 5 के बीच में आएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है, आगे बढ़िए। एक मिनट, फॉर्मूला आप लोगों का मिट गया है, फिर से यहाँ पे लिख लेती हूँ। एल प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों की जो एल हो जाएगी लोअर फ्रिक्वेंसी, लोअर रेट जो हो जाएगी वो कौन सी होगी, 40 होगी। ठीक है, और 40 देख लीजिए, जो आपका इंटरवल दिया गया है 40 और 50 में कितना अंतर हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 40 प्लस 10 बटे बटे के करना है आप लोगों को। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 5 हो जाएगी, 5 इंटू मीडियन हो जाएगा आप लोगों का कितना, 10 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगी आप लोगों की 10 12.5 है। ठीक है, और जो आपका मीडियन है यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25, टोटल आप लोग कितना आया था, ये 25 आया था, 25 माइनस कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट, तो वो हो जाएगा कितना, 45 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ 45 ही आएगा इसका आंसर जब आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे इसका। ठीक है, और इसको आप 25 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अपन लोगों ने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको भी 2 से डिवाइड किया है, आप इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 10 बटे 5 इंटू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 से, आप इसको डिवाइड करेंगे 20, 20 माइनस 10 25 माइनस 10 यानी कि 5 बटे 2 हो जाएगा, और इसको जब आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे 5 से काट देंगे, 5 को 2 से कट जाएगा, 5 बार 45 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वितरण का तृतीय चतुर्थांक पूछा गया है, Q3 इसमें पूछा गया है। ठीक है, Q3 क्या होगा इसको देख लीजिए, आपका जो तृतीय चतुर्थांश है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, एक मिनट यहां पर लिखती हूँ, Q म्यू इज इक्वल टू 3n/4। 4 क्यों किया है, क्योंकि ये चतुर्थक पूछा गया है। ठीक है, अब 3n/4 टोटल जो फ्रीक्वेंसी कितनी है अपन लोगों की, n मतलब फ्रीक्वेंसी है 25 थी, 25 इंटू सॉरी 3 × 25 बटे 4, आंसर इसका कितना आएगा, 18.75 आएगा, ये अभी अपना आंसर नहीं है। ठीक है, अब जो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है वही एक में ऐड करते जाएंगे, तो ऐड करने पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी आएगी, जो 18.75 मिलेगा ये कहाँ पे मिलेगा, इसको जब आप ऐड करेंगे, एक और दो 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 18.75 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर लोअर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है,
इसका भी फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। एल बराबर एल प्लस 3 एन माइनस क्लास फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अपॉन में इसके फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इंटू के इंटरवल कितना है ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो आपकी एल बराबर कितना हो जाएगा, लोअर वैल्यू इसकी 50 हो गई, 50 हो गई। ठीक है, 3 अपन 3 एन जो था अपन लोगों ने निकाल लिया था वो कितना था, 18.5 था, या फिर 7.5 मान लीजिए इसको। माइनस के जो क्लास फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगी अपन ने वो किया 15 हो जाएगी, और उसकी अपन में फ्रीक्वेंसी टोटल 25 है। फ्रीक्वेंसी अपन लोगों की कितनी है, चतुर्थांश में पूछी गई है, तो ये हो जाएगी 4 इंटू के यहाँ पे इंटरवल कितना हो जाएगा 50 और 60 के बीच में 10 का हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना, 59.37, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि 40 जो डिग्री सेंटीग्रेड है उससे कम तापमान वाले केंद्रों को पूछा गया है, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। 40 डिग्री से कम तापमान वाला कौन सा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे ये टोटल यहाँ पे 40 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, इससे पहले कितने पूछा गया है तो इससे इनका ऐड कर देंगे। ऐड करने पर जो आपको संख्या प्राप्त होगी, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 कितने हो जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे, जिनका के तापमान कितना है 40 से कम है। ठीक है, सी लगा देंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, कितने परसेंट केंद्रों पर तापमान जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अनुलेखन किया गया है, तो 30 से 70 का इसमें पूछा गया है यहां से लेकर के और ये यहां तक का पूछा गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए, 30 से 70 में आपकी 4 5 4 3, ठीक है ये हो जाएंगे, इनको जब आप ऐड करेंगे तो 4 और 5 9 4 13 और 3 16 हो जाएंगे। ठीक है, 16 का अब आपको टोटल में से निकालना है, टोटल कितनी संख्या है, ये 25 है। अब इसका जो पूछा गया है परसेंटेज में पूछा गया है, तो 16 बटे 25 इंटू के 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 64 आ जाएगा, तो 64 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही हो जाएगा तो ये आपका आज का पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। आगे जो है आपका क्या है, ये इसको आपको पढ़ना है, पढ़ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 मिनट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर इसके आपके पास में पीडीएफ नहीं हो, अगर पीडीएफ नहीं है तो आप हमको मैसेज कर देना, टेलीग्राम से आप लोगों को क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये आप इनके क्वेश्चन भी देख लीजिए, पढ़ करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आप इजी है, कर सकते हैं, और मुझे पढ़ने में इनको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, नेट जेआरएफ और यूपीएचईएससी KBS, PGT, TGT, इन सभी के PYQ सॉल्व मिल जाएंगे आप लोगों को, MCQs भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, और ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगे, जो ऐप है आप लोगों का GSY दिवाकर सर, ये आपका ऐप है, प्ले स्टोर से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।